हेलो एवरीबडी दिस इज दिगराज सिंह राजपूत वेलकम टू मैग्नेट माइट इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्प्लिट इन दी कांग्रेस अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक तो मैंने आपसे जो कहा था प्रॉमिस किया था कि ये चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है अगर हम पढ़ते हैं तो हमें पूरी पॉलिटिकल डेवलपमेंट समझ में आती है मैं थोड़ा सा एक बार और कनेक्ट करवाऊंगा यहाँ पे ताकि वो फ्लो बन जाए हमारा एक ठीक है स्प्लिट इन दी कांग्रेस ये टॉपिक पढ़ेंगे हम ठीक है इस टॉपिक को समझना है ना तो इस टॉपिक को समझने के लिए इसकी जड़ें कहाँ जाएगी इसकी जड़ें जाएगी से 1967 तक कांग्रेस का ठीक है ना कांग्रेस के अंदर कोई प्रॉब्लम थी सभी लोग जो सहमति से एक लीडर रहता था उसे एक्सेप्ट करते थे लेकिन वो पॉलिटिकल सक्सेशन जो है ना उसके चलते इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड में हमने क्या देखा 66 के टाइम पीरियड में मन मुटाव होने लगा कुछ लीडर जैसे मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच में मनमुटाव सा हो गया एक मतलब उन्हें ऐसा लगा कि यार मुझे बनाना चाहिए था प्राइम मिनिस्टर ठीक है मनमुटाव था लेकिन क्या होता है अल्टीमेटली सर्वसहमति से 67 तक आते आते क्या होता है कि आप देखेंगे सिक्सटी तक आते आते क्या हो जा रहा है यहां पे कि इंदिरा गांधी ही मतलब आ, प्राइम मिनिस्टर रहती हैं और फिर आप जनरल इलेक्शन कंडक्ट करवाएंगे अब जो जनरल इलेक्शन कंडक्ट होंगे 67 में तो 67 के जनरल इलेक्शन के बाद में वर्डिक्ट क्या निकल के आया तो वो दिखा रहा था कि कहीं ना कहीं कांग्रेस क्या हो रही कमजोर हो रही है और देखो जब आप लाइफ लेसन लेते चला करो जब पढ़ते हो तो जब आप कमजोर रहते हैं ना तो लोग आपसे भागने की कोशिश करते हैं और जब आप मजबूत दिखते हैं तो हर आदमी आपसे जुड़ने की कोशिश करता है वही यहां भी हो रहा था कि स्प्लिट इन दी कांग्रेस जो है तो कांग्रेस जब कमजोर दिखती रह, दिख रही थी ना उस समय पर लोग भागने का प्रयास कर रहे थे उस समय पर कांग्रेस में आपको क्या देखने को मिलेगा स्प्लिट देखने को मिलेगा जब तक कांग्रेस डोमिनेंट थी तब तक तो कांग्रेस का नेचर ऐसा था ग्रैंड कोलिजन सब आके जुड़ने की प्रयास करते थे कांग्रेस में ठीक है तो हम क्या करते हैं हम इलेक्शन ऑफ 1967 से कहानी को कनेक्ट करते हैं तो कांग्रेस रिटेन पावर एट सेंटर ठीक है तो कॉस्ट क्या था देखो कांग्रेस ने 67 के के इलेक्शन बाद में अपनी रिटेनिटी को तो बनाए रखा लेकिन कांग्रेस की मेजोरिटी रिड्यूस हो गई थी ठीक है वो एक छत्र राज नहीं रहा था डॉमिनेशन जो था एरा ऑफ वन पार्टी डॉमिनेंस खत्म हो गया था लॉस पावर इन मेनी स्टेट और साथ ही साथ कुछ राज्य उसके हाथ से फिसल गए थे कुछ नहीं बहुत सारे थे नौ राज्यों का हाथ से फिसल जाना बुरी बात रहती है ठीक है तो कांग्रेस ने क्या किया कांग्रेस ने एक बड़ी कॉस्ट पे करी 67 के इलेक्शन में और इसका अंडर क्या था द दैट कांग्रेस कुड बी डिफीटेड एट मतलब ऐसा है ना कि एक बहुत बड़ा आ, कह सकते हैं कि क्या एक बहुत बड़ा आपके सामने एक दिग्गज बॉक्सर है अगर मान लो ठीक है तो उसको देख के ऐसा लगता था कि एक मुक्का मारेगा हम हार जाएंगे इसको कोई हरा भी सकता है तो ऐसा होता ना कुछ प्लेयर्स के बारे में हम बात करते हैं कि ही इज लेकिन वो प्लेयर्स अगर एक मैच में भी हार जाता है तो फिर दूसरे प्लेयर्स क्या सोचने लगते हैं कि हाँ इसे हराया जा सकता है इसे हराया जा सकता है वही खेल यहां पे हुआ क्या कि कांग्रेस ने 1967 में क्या किया 1967 में कांग्रेस ने सेंटर पे तो अपनी कह सकते लाज बचा ली लेकिन स्टेट लेवल पे जब उसने कुछ पावर्स खोई ठीक है कुछ स्टेट्स उसके हाथ से फिसले तो इसका अंडर करेंट यह था कि दूसरी जो रीजनल पार्टी थी उन्हें यह समझ में आने लगा कि कांग्रेस को हराया जा सकता है हराया जा सकता है लेकिन रियलिटी क्या थी पता है रियलिटी समझो यहां पे कांग्रेस कुड हैव बीन डिफीटेड बट देयर वर नो और यही पता है पॉलिटिक्स को समझना है ना पॉलिटिक्स को आप हिस्ट्री से बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हो और जरूरी नहीं कि आप बहुत बड़े क्या चाणक्य कहलाओ त, मतलब चाणक्य जैसा ज्ञान होगा तभी समझ पाओगे बहुत सिंपल सी चीज होती है पॉलिटिक्स में कभी कभी कोई लीडर कोई पार्टी सिर्फ इस कारण सस्टेन कर जाती है क्योंकि उसके अगेंस्ट में सब्स्टिट्यूट नहीं होता है ये नहीं तो क्या और तो क्या पे जब क्वेश्चन मार्क आ जाता है तो ये नहीं तो यही चलता रहेगा समझ में आ रहा है? तो देखो पे एक चीज जरूर क्लियर हो गई थी कांग्रेस को हराया जा सकता है लेकिन हराने के लिए आपको एक दूसरा फेस भी चाहिए रहेगा दूसरा कांग्रेस नहीं कहे तो कहेंगे कि सब्सटीट्यूट तो चाहिए रहेगा ना लेकिन समस्या यहां पे आती थी रियलिटी यही, यही पे आती थी कि कांग्रेस कुड हैव बीन डिफीटेड बट देयर वर नो सब्सटीट्यूट कोई एक सब्सिट्यूट नहीं था जैसे आज के लोगों मतलब आज के टाइम में भी पॉलिटिक्स में लोग कहते हैं ठीक है थीके? तो कोई सब्सिट्यूट नहीं था और इनफेक्ट क्या होता है जैसे अगर आप देखोगे ना तो कांग्रेस यहां पे आपको कमजोर होते हुए दिखेगी जरूर कि मेजोरिटी रिड्यूस हो गई है कुछ स्टेट्स में उसने पावर खो दी है लेकिन सेंटर में तो कांग्रेस के पास पावर थी ही तो कांग्रेस ने क्या किया

का करते हुए सेंटर अपनी पावर का ठीक है इस्तेमाल करते हुए आर्टिकल थ्री हंड्रेड फिफ्टी सिक्स लगाते थे प्रेसिडेंट रूल लगा के वहां पर सिस्टम को खत्म कर देते थे जैसे उड़ीसा में हुआ सिक्सटी सेवन के बाद की बात कर रहे हैं तो इस तरह से क्या है कांग्रेस हारी जरूर थी 67 में बाहर से जो चैलेंज थे जो नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट थी करती थी गवर्नमेंट को अपने हिसाब से अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए क्या कर देती थी खत्म कर देती थी और मेन चीज ये थी कि देर वॉज नो सब्सटीट्यूट तो इसके चलते कांग्रेस वॉस लाइक अमर है हम ठीक है कांग्रेस वॉस लाइक हाँ अभी कुछ नहीं बिगड़ा है सिक्सटी सेवन में भी वन पार्टी डोमिनेंस खत्म हुआ है लेकिन अभी भी हम बहुत कुछ हैं उस तरह से कांग्रेस अपने आप को प्रेजेंट कर रही थी ठीक है अब लेकिन आप जैसे देखेंगे तो जो बड़ा चैलेंज कांग्रेस को फेस करना पड़ा वो बाहर से नहीं था वो अंदर से था मतलब आपके जूते में अगर एक छोटा सा कंकड़ भी है ना और बाहर पहाड़ पर भी आप चढ़ जाओगे लेकिन वो छोटा सा कंकड़ आपको परेशान करेगा वही चीज यहां पर हुई है क्या कि रियल चैलेंज टू इंदिरा गांधी केम नॉट फ्रॉम अपोजिशन अपोजिशन को तो धुए में उड़ा देते थे बट फ्रॉम विद इन हर ओन पार्टी ठीक है कांग्रेस को जो मेन चैलेंज मिल रहा था वो उसकी अपनी खुद की पार्टी से मिल रहा था इंदिरा गांधी को चैलेंज जो मिल रहा था, वो अपने पार्टी के अंदर से मिल रहा था कुछ तो है सिंडिकेट सिंडिकेट अगर जैसे समझोगे ना तो जो ओल्ड ग्रुप्स होते हैं उनके लिए सिंडिकेट वर्ड यूज किया जाता है कांग्रेस के कंटेक्स में क्या था पहले वो समझ लो देखो कहानी तक समझ में आई है ना अब आपको ये जो टॉपिक है आपका इंदिरा वर्सेस सिंडिकेट तो कांग्रेस के सामने चैलेंज था चैलेंज तो हाथ, हाथ लेकिन 67 के बाद में जो कांग्रेस में हम कह रहे रिफ्ट जो बड़ा था ना वो वो रिफ्ट जो पड़ा था वो बढ़ता चले गया ठीक है कांग्रेस के जो समय लीडर थी मतलब कौन इंदिरा गांधी तो इंदिरा गांधी के सामने मेन चैलेंज जो था वो कांग्रेस के बाहर से नहीं कांग्रेस के अंदर से था सिंडिकेट से था तो हम

एन संजीवा रेड्डी ठीक है एन संजीवा रेड्डी आप आगे जाके देखोगे ना तो यही स्प्लिट का कारण भी बनेंगे और समझना ये ग्रुप जो है यही ग्रुप आगे जाके क्या बनेगा सिंडिकेट ग्रुप जो है आगे जाके स्प्लिट का कारण भी बनेगा तो एम एन संजीवा रेड्डी ठीक है ऑफ आंध्र प्रदेश अतुल्य घोष ऑफ वेस्ट बंगाल तो टॉल लीडर्स दीज आर टॉल लीडर्स इन कांग्रेस ठीक है सिक्सटी सेवन से के पहले तक टॉल लीडर्स थे अब क्या होता है आधो का काम तो ऐसे ही खत्म हो गया था जब सिक्सटी सेवन में जो आंधी आई थी जिसने कांग्रेस को समेटा था तो जैसे आप देखेंगे के कामराज डीएमके ने उड़ा ले गई उन्हें ठीक है एस के पाटिल जो है वो भी हार गए थे बड़े बड़े लीडर्स जो है जैसे अतुल्य घोष की बात करें वो भी हार गए थे तो कुछ लीडर्स का तो दबदबा वैसे ही सिक्सटी सेवन के चुनाव के बाद कम हो गया था तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये हमारा दबदबा खत्म ना हो जाए कहीं तो वो कांग्रेस में पावर चाह रहे थे देखो कहानी समझना कब कैसे पॉलिटिक्स बदल जाती है 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 67 के पहले 66 66 आता आता बोलोगे सर मैथ्स तो हमें भी आता है। लेकिन 66 में क्या हुआ था कि जो पॉलिटिकल सक्सेशन होना था लाल बहादुर शास्त्री की डेथ के बाद में इंदिरा गांधी के पास पावर आना था ठीक है इंदिरा गांधी के विपक्ष में कौन थे मतलब जो कंटेंडर थे इंदिरा गांधी के साथ साथ प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए कौन थे मुरारजी देसाई थे लेकिन उस समय पे इन लीडर्स ने मोरारजी देसाई को सपोर्ट नहीं किया ठीक है उन्हें लग रहा था इंदिरा इंदिरा गांधी गांधी को क्या गांधी को क्या करेंगे करेंगे वो अगर सपोर्ट तो इंदिरा गांधी को वो आसानी से क्या कर सकते हैं वो जो नेहरू की गूंगी गुड़िया का एक मतलब नोशन चला आ रहा था ना कि इंदिरा गांधी तो नेहरू जी की गूंगी गुड़िया है उन्हें हम जैसा बोलेंगे वो वैसा करेगी तो उस सोच के साथ में इन सीनियर लीडर्स ने इन सिंडिकेट्स ने

सपोर्ट रिसीव फ्रॉम दी सिंडिकेट तो अगर सिंडिकेट की बात करें तो इनका दबदबा बहुत था जैसे जो पॉलिटिकल सक्सेशन हुए हैं तो उसमें क्या है कि अगर लाल बहादुर शास्त्री पावर में आते हैं तो इसलिए आते हैं क्योंकि सीनियर लीडर्स ने उन्हें सपोर्ट किया इंदिरा गांधी पावर में आती तो क्योंकि इसलिए आती क्योंकि सीनियर लीडर्स ने उन्हें सपोर्ट किया था सिंडिकेट ग्रुप ने उन्हें सपोर्ट किया था लेकिन रियलाइनमेंट होता है सिक्सटी सेवन के बाद में कि इंदिरा गांधी और सिंडिकेट ग्रुप जो है वो आमने सामने आ जाएंगे अभी क्लियर हो जाएगा कैसे आमने सामने आ जाएंगे ठीक है दिस ग्रुप हैड अ डिसाइसिव से इन इंदिरा गांधी फर्स्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड ऑल्सो इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन तो जो इंदिरा गांधी के शुरुआती दिन रहे थे ठीक है एज अ प्राइम मिनिस्टर तो उसमें क्या है सिंडिकेट ग्रुप का एक बड़ा रोल रहा है बड़ा रोल रहा है कि मिनिस्टर्स कौन होंगे कौन नहीं होंगे इंदिरा गांधी क्या डिसीजन लेगी क्या नहीं रहेगी और उस समय इंदिरा गांधी भी क्या थी डिपेंडेंट थी इनके ऊपर ठीक है एंड इनफैक्ट ये जो स्टेटमेंट लिखा है ना कि लाल बहादुर शास्त्री एंड लीडर इंदिरा गांधी ऑफ देयर पोजिशन वो प्राइम मिनिस्टर थे अगर तो इस कारण थे क्योंकि सीनियर लीडर्स को उनको सपोर्ट था

एजेंडा जो रखते थे ना तो एजेंडा चुनाव देखो सबको जीतना है नॉर्थ में भी जीतना है साउथ में भी जीतना है लेकिन वो एजुकेशन को प्रायोरिटी देते थे और ये आप केरला में देख लो चाहे तमिलनाडु में देख लो कर्नाटक में देख लो दे हैव फोकस्ड ऑन एजुकेशन इंट्रोड्यूस मिड डे मील स्कीम फॉर स्कूल चिल्ड्रन इन नाइनटीन ये थ्री प्रपोज ठीक है फेमस कामराज प्लान जिसे कहा जाता है कामराज प्लान क्या था तो नाइनटीन में उन्होंने बात करी कि देखो कांग्रेस क्या हो चुकी है बूढ़ी हो चुकी है बूढ़ी कैसे हो चुकी है सीनियर लीडर्स बहुत लंबे समय तक थे अब सीनियर लीडर्स को क्या है अपनी थोड़ी कुर्सी खाली करना चाहिए ताकि यंग लीडर्स आ सके आइडिया उन्होंने दिया था 63 में कामराज प्लान कहा जाता है इसे ठीक है और यही कामराज प्लान इनके लिए फेलियर भी साबित हुआ कब जब वो यंग लीडर्स करेंगे यंग लीडर्स ही इन्हें कांग्रेस से बाहर फेंकने की कोशिश करेंगे ठीक है तो ये प्रपोज दैट ऑल सीनियर कांग्रेस मैन शुड रिजाइन फ्रॉम ऑफिस टू मेक वे फॉर यंगर पार्टी वर्कर्स ठीक है तो ने ने बहुत बड़ा दिल दिखाया अपना कि यंगर पार्टी वर्कर्स होना चाहिए लेकिन पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट पावर तो वो कामराज प्लान अच्छा था और इससे क्या इससे एक चीज देखोगे कि, कि पॉलिटिक्स को थोड़ा सा एक तरह से ऐसा मॉडिफाई करने का प्रयास किया गया कि हाँ यंग आए में। ये हो गया। कामराज के बाद लीडर ऑफ कांग्रेस सीनियर कांग्रेस लीडर में, में? ठीक है तो आजादी के पहले से कांग्रेस के साथ काम कर रहे थे तो दिखती बात है आजादी के बाद जो कांग्रेस रहेगी उसमें बड़े चेहरे रहेंगे मेंबर ऑफ लोकसभा चीफ मिनिस्टर ऑफ द देन मैसूर कर्नाटका स्टेट ठीक है कर्नाटका अगर आज मॉडर्न कर्नाटका कहा जाता है तो मॉडर्न कर्नाटका के मेकर इन्हें माना जाता है प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस ड्यूरिंग 1968-71 तो कांग्रेस का जब स्प्लिट हो रहा है ना उस समय पे कांग्रेस के प्रेसिडेंट ये रहे बाद में मतलब ये रहेंगे सिंडिकेट वाले ग्रुप में ही तो जैसे आप देखोगे कांग्रेस का जो स्प्लिट होगा तो कांग्रेस दो पार्ट में बटेगी ठीक अभी यहां पे सिर्फ आपको मैं रेफरेंस के लिए बता रहा हूं ये जो स्प्लिट है इसको अच्छे से आपको कब समझ में आएगा कि स्प्लिट हुआ कब है पता है होता है स्प्लिट अल्टीमेटली होता 1969 में में 67 uh, 67 के बाद ऐसा नहीं कि चुनाव के जस्ट बाद में स्प्लिट हो जाता है चुनाव के जस्ट बाद में स्प्लिट नहीं होता है दो सालों के गैप में पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स ऐसे होते हैं ठीक है 69 में क्या होता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन होना थे अब प्रेसिडेंट के इलेक्शन ऐसे तो नहीं कि लोग वोट डालेंगे वो तो एम और एमपी वोट डालते हैं तो उसमें क्या होता है उसमें जो जनरेट होते हैं ना उसके चलते स्प्लिट आएगा तो कांग्रेस के अंदर स्प्लिट कब आएगा नाइन Nine में आएगा ठीक है ये ध्यान रखना तो अभी लेकिन मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं तो इस तरह से क्या हो रहा है कि इंदिरा वर्सेज सिंडिकेट जो लिखा है ना तो सिंडिकेट वाला किसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है ओ के लिए कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो लीडर्स ऑफ सिंडिकेट एंड ओइंग एलिजियंस टू दी

ठीक है तो अब क्या होता है कि ये कांग्रेस ओ की सिग्निफिकेंस अपने आप कम हो जाएगी कब पता है आफ्टर 1971 क्यों क्योंकि 1971 में इंदिरा गांधी की जो कांग्रेस थी आर वाली ठीक है उसने अपने आप को टेस्ट ऑफ पॉपुलैरिटी पे क्या है खरा साबित किया तो अब जब क्या होता है इंदिरा गांधी की ही कांग्रेस को लोग जानने लगे तो कांग्रेस ओ जो ओरिजिनल था ठीक है जो ऑर्गेनाइजेशनल था

पीछे के अगर आप कारण देखोगे तो जो अपोजिशन से चैलेंज था वो कोई बड़ी बात नहीं थी उसको तो कांग्रेस ने ऐसा कह दिया हमारे हैं हम ठीक है सब संभाल लेंगे 67 में सेंटर में मेजोरिटी थी उसका इस्तेमाल करते उन्होंने चीजें संभाली लेकिन जो रियल चैलेंज था कांग्रेस के सामने कांग्रेस मतलब इंदिरा गांधी की बात कर रहे हैं हम इंदिरा गांधी के सामने वो क्या था सिंडिकेट्स का था सिंडिकेट्स क्या है सीनियर कांग्रेस लीडर्स का ग्रुप वो समझ में आ गया ठीक है द सिंडिकेट हैड प्लेड अ रोल इन इंस्टॉलेशन ऑफ इंदिरा गांधी एज अ प्राइम मिनिस्टर बाय इंश्योरिंग हर इलेक्शन एज अ लीडर ऑफ पार्लियामेंट्री पार्टीज ये कब की बात हो रही 1966 की तो सिंडिकेट्स जो थे ना सिंडिकेट्स ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था 1966 में उन्होंने इंदिरा गांधी को एक तरह से इंस्टॉल कराया था उन्होंने ये बोला था कि हां जो मोरारजी देसाई है इनको मत बनाओ प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को बनाते अब इनका अपना वेस्टर्न इंटरेस्ट था ये क्या चाह रहे थे कि नेहरू की गूंगी गुड़िया रहे ठीक है तो दीज लीडर्स एक्सपेक्टेड इंदिरा टू फॉलो देयर एडवाइस ये एक्सपेक्ट थे कि इंदिरा गांधी हमारी बात मानेगी न्यू भी है ठीक है कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है इन एक्सपीरियंस है तो एक तरह से क्या रहेगा चेहरा इंदिरा गांधी का रहेगी रहेगा सोच हमारी रहेगी ये सिंडिकेट्स ने सोच के इंदिरा गांधी को क्या पावर दिलवा दी थी ठीक है ग्रेजुअली ऑल ओवर इंदिरा गांधी अटेम्प्टेड टू तो असर्ट हर पोजिशन और धीरे धीरे क्या इंदिरा गांधी ने जब मतलब ऐसा होता है ना कि आप हर काम के लिए आप हमेशा नए ही रहते हो कभी ना कभी करना है, स्टार्ट ही करोगे लेकिन एक बार आप स्टार्ट कर देते हो तो आप फिर हो सकता है कि पुरानों से भी बेहतर करने लोगों तो इंदिरा गांधी को भी लगा ठीक है सीनियर लीडर्स की बात मानना चाहिए उनके एडवाइस पे उन्होंने काम भी किया लेकिन जैसे जैसे क्या होता है ग्रेजुअली वो पॉलिटिक्स को सीखते चले गई समझते चले गई पॉलिटिक्स ऐसा नहीं कि किताबों में पढ़ी जा सकती वो प्रैक्टिकली कूद के ही समझ में आती है ठीक है प्रैक्टिकली कूद के ही समझ में आती है या फिर जो कूदे हुए हैं उनको आप नाचते हुए देख लो तो भी समझ में आ जाएगी ठीक है तो ग्रेजुअली इंदिरा गांधी अटेम्प्टेड टू असर्ट हर गांधीशन गवर्नमेंट एंड दी पार्टी धीरे धीरे उन्होंने अपनी पोजिशन को असर्ट किया मजबूत किया ठीक है फ्रॉम आउटसाइड एंड पार्टी स्लोली एंड केयरफुली सी साइडलाइन दिडिकेट्स अब उन्होंने क्या इंदिरा अच्छा गांधी ने अपनी खुद की टीम बनाना चालू की उन्होंने बोला कांग्रेस स्ट्रक्चर जो था ना स्ट्रक्चर जो था स्ट्रक्चर में जो लोग फंसे हुए हैं गड़े हुए हैं जरूरी नहीं कि मैं उनके ही रहूं। मैं बना सकती और, पावर सिंडिकेट्स तो uh, और syndicates को वो क्या करते चले गई तो अब सिंडिकेट क्या है सिंडिकेट की क्या सोच थी उनकी सोच किस तरह से पलट दी गई इंदिरा गांधी के द्वारा इतनी कहानी समझ में आई तो अब आप कनेक्ट कर पाओगे आखिरकार स्प्लिट क्यों हुआ होगा ये ठीक है स्प्लिट क्यों हुआ होगा क्योंकि कांग्रेस उस, तालमेल बनेगा नहीं और इंदिरा गांधी जो अपनी पॉपुलरिटी को ज्यादा बेहतर प्रूव कर पाती है तो कांग्रेस ओ जो है अपने आप क्या हो जाती है पेरिश हो जाती है ठीक है अब देखो क्या है तो यहां तक आपको समझ में आ गया ना यहां तक बैकग्राउंड समझ में आया स्प्लिट क्यों होगा तो अब अगर हम टॉपिक को फिर से रीस्विच करें तो कांग्रेस सिंडिकेट जो थे और इंदिरा गांधी जो थी उनके बीच में तालमेल बन नहीं रहा था तो अब इंदिरा गांधी को 67 में प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद एक चीज समझ में आ गई थी क्या कि इंदिरा गांधी दस फेस टू चैलेंजेस क्या थे वो दो चैलेंजेस शी नीडेड टू बिल्ड हर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द सिट ठीक है वो क्या चाहती थी कि वो अपने आप को इंडिपेंडेंट साबित कर दे सिंडिकेट से सिंडिकेट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहेगी तो वो कभी कुछ नहीं कर पाएगी क्योंकि सिंडिकेट्स जो उन्हें पपेट बना के चलाना चाहेंगे ठीक है और दूसरा चैलेंज जो था शी नीडेड टू वर्क रीगेनिंग ग्राउंड दैट टूवर्ड्सिंग कांग्रेस हैड लॉस्ट इन इलेक्शन तो दूसरा चैलेंज ये भी था कि देखो पहला तो सिंडिकेट्स जो है सिंडिकेट्स अगर ये गलत फेमी में है कि वो कांग्रेस मतलब वो इंदिरा गांधी को क्या कर लेंगे पपेट की तरह नचा लेंगे तो वो गलत दूर करवाना थी और अपनी इंडिपेंडेंस को सिक्योर करना था ठीक है अपनी

दो चैलेंजेस को टैकल करने के लिए देखो तो क्या स्ट्रेटेजी थी शी कन्वर्टेड अ सिंपल पावर स्ट्रगल इनटू एन आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल अब जो पावर स्ट्रगल था ना देखो अल्टीमेटली इंदिरा गांधी को भी चाहिए क्या था कि आने वाले जो चुनाव रहे तो उसमें वो कंसोलिडेट कर पाए अपनी पोजीशन को पावर उन्हें भी चाहिए था लेकिन वो पावर वो सिर्फ ये बोल के नहीं लेना चाहती थी कि देखो मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है मुझे पावर लेना है उन्होंने इस पावर स्ट्रगल को एक आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल में बदल दिया मतलब लोगों को यह मजबूर किया उन्होंने कि लोग ये कहें कि नहीं आपको ही पावर

लेफ्ट ओरिएंटेशन के पीछे उनका एक सोच भी था उन्होंने देखा कि यार ये जो आ, कह सकते हैं नॉन कांग्रेसिज्म बड़ा है ना वो क्यों बड़ा है क्योंकि पुअर वर्कर्स ठीक है या फिर कह सकते हैं शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के जो लोग हैं ठीक है पीजेंट्स जो हो गए ये सारे लोग क्या है ये सारे लोग जो है इन सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस इनके लिए काम नहीं कर रही है और ये कारण था कि कांग्रेस 67 में अगर हारती है हारती इन देंस दे कि कांग्रेस का परफॉर्मेंस डाउन जाता है ना उसके पीछे कारण ये था कि सिक्सटी के पहले तक लोग नाखुश हो गए थे आम जनता नाखुश हो गई थी किससे कांग्रेस से, से। इंदिरा गांधी ने उस चीज को डायग्नोस सही तरीके से किया और इंदिरा गांधी ने क्या किया लॉन्च सीरीज ऑफ इनिशिएटिव्स टू गिव गवर्नमेंट पॉलिसियां लेफ्ट ओरिएंटेशन गवर्नमेंट की पॉलिसी को उन्होंने लेफ्ट ओरिएंटेशन देने का प्रयास किया ठीक है शी गॉट कांग्रेस वर्किंग टू अडॉप्ट टेन पॉइंट प्रोग्राम उन्होंने पॉइंट पॉइंट प्रोग्राम प्रोग्राम बनाया ये 10 क्या है ठीक है नाइनटीन में कांग्रेस वर्किंग कमिटी को टेन पॉइंट प्रोग्राम बनाया गया ठीक है तो अभी टेन पॉइंट प्रोग्राम जो था देखो अल्टीमेटली क्या है कि जब वो अपनी पार्टी को लेफ्ट ओरिएंटेशन देगी ना तो लेफ्ट की पार्टी

सीलिंग फिक्स करना लैंड सीलिंग वगैरह पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन पीडीएस सिस्टम को स्ट्रेंथन करना लैंड रिफॉर्म्स एंड प्रोविजन ऑफ हाउस साइट्स टू दी रूरल पुअर अब जरा अगर आप देखोगे ये सारे जो टेन पॉइंट प्रोग्राम हैं, ये टेन पॉइंट प्रोग्राम क्या क्लियरली दर्शा रहे हैं टेन ये जो टेन पॉइंट प्रोग्राम है ये क्लियरली दर्शा कि जो गवर्नमेंट है अब गवर्नमेंट का पूरा का पूरा ओरिएंटेशन यूएसएसआर की पॉलिसी में रिफ्लेक्ट होगा तो अट्रैक्ट हो तो कौन होगा वो सारी मासन जो 1967 के चुनाव में कांग्रेस से नाखुश थी उन्हें ऐसा लग रहा था कि गरीबों के लिए पीजेंट्स के लिए कांग्रेस कुछ नहीं कर रही है तो अब जब इस तरह की पॉलिसीज को कांग्रेस हाईलाइट करेगी ना तो ऑटोमेटिकली वो आम जनता जो है जो नाखुश थी वो खुश होने लगेगी कांग्रेस से और कांग्रेस से खुश होगी उससे हो तो 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 क्योंकि क्योंकि उन्होंने अपनी इमेज को ऐसे प्रोजेक्ट किया था कि वो क्या है सिक्सटी की कांग्रेस से अलग है ठीक है तो सिक्सटी में जो कांग्रेस ने हार खाई थी वो हार यहां नहीं खाएगी कांग्रेस ठीक है तो ये पूरा गेम चल रहा था यहां पे वाइल सिंडिकेट्स लीडर्स फॉर्मली अप्रूव This left wing. देखो अब ये लेफ्ट विंग ओरिएंटेशन के लिए जो ंगफ्टिंग पॉइंट प्रोग्राम लाया गया था 67 में सिंडिकेट सिंडिकेट लीडर्स लीडर्स जो थे ना को जैसे आप देखोगे तो बड़े बड़े लोग थे बड़े बड़े लीडर्स थे और इनका सेंट्रिस्ट आइडिया रहता था उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं था कि हम अपील करें बहुत ज्यादा ठीक है और ये जो कांग्रेस का स्ट्रक्चर था वो ऐसा था कि हर लीडर की अपने अपने रीजन में डोमिनेंस थी अपने अपने रीजन में डोमिनेंस थी और इस तरह से रीजन रीजन से मिलकर कांग्रेस बनी हुई थी हर रीजन से एक-एक लीडर था तमिलनाडु कर्नाटका वेस्ट बंगाल ठीक है और ये यहां पे जो इंदिरा गांधी है तो इंदिरा गांधी वो लीडर्स को साइडलाइन करके क्या कर रही है अपने प्लान्स के बेसिस पे नेशनल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने की बात कर रही है में आ रही है कहानी तो अब इंदिरा गांधी क्या कर रही है चीजों को

आया तो ये स्ट्रेटेजी ये मास्टर चेंज था ठीक है ये मास्टर चेंज था तो सिंडिकेट लीडर्स अब देखो सिंडिकेट लीडर्स अगर इसको डिसअप्रूव करेंगे ना तो अपने ही रीजन में हार जाएंगे वो ठीक है तो वाइल अप्रूव दिस लेफ्ट विंग विंग प्रोग्राम प्रोग्राम तो लेफ्ट को फॉर्मली तो अप्रूव कर रहे हैं दे हैड सीरियस रिजर्वेशन अबाउट सेम लेकिन उन्हें मनी मन ऐसा लगता था कि ये होना सही है या नहीं है तो मनी मन रिजर्वेशन थे देवर नॉट फॉर श्योर अबाउट दी लेफ्ट ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स ठीक है ऑफ कांग्रेस पार्टी ऑफ इंदिरा गांधी ठीक है ऑफ कांग्रेस अंडर इंदिरा ऐसा कहा जाएगा ठीक है यह पूरी कहानी रही खत्म चलो चलो स्प्लिट इन कांग्रेस जो है बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है आशा करता हूं आपको इंदिरा वर्सेस सिंडिकेट वाला जो डिबेट है वो समझ में आया कहानी करेक्ट कर पा रहे हो ना अब अगला टॉपिक और मजेदार है कि अभी क्या है अभी जब जैसे आप देखोगे तो अभी एक तरह से क्रैक डेवलप हुआ है वो क्रैक पूरी तरह से टूटेगा कब पता है 67 में आप देखोगे तो कांग्रेस वर्सेस सिंडिकेट जो है सिंडिकेट को भी समझ में आ गया कि जिन्हें हम क्या एक पपेट की तरह इस्तेमाल करना चाह रहे हैं इंदिरा गांधी को वो पपेट नहीं है सिंडिकेट को समझ में आ गया था ठीक है और अब क्या है प्रेशर बिल्डअप हो रहा था प्रेशर बिल्डअप होकर 69 मतलब 69 हो रहा है तो हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होगा ना उसमें सिंडिकेट वर्सेस इंदिरा फिर से आमने सामने आएंगे और इस समय पर आपको जो रिजल्ट देखने को मिलेगा वो क्या था वो कांग्रेस के फॉर्मली स्प्लिट के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा ठीक है चलो इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंशियल तो पहले जितनी भी चीजें सब समेट लें पिछले वीडियो में हम क्या पढ़ के आए हैं हम ये देख रहे हैं कि ब्रॉडली अगर बात करें तो हम ये देख रहे हैं कि चैलेंजेस क्या थे कांग्रेस सिस्टम के सामने या फिर आप कहेंगे कि जो ब्रेकडाउन होता है कांग्रेस का 67 के बाद ठीक है तो वो किन कारणों से होता है बाहर कारण थे मतलब जो कह सकते हैं आउटसाइड फोर्सेज जो थी वो काम कर रही थी तो आउटसाइड फोर्सेज में हमने क्या देखा था आउटसाइड फोर्सेज में हमने ये समझा था कि नॉन कांग्रेसिज्म तो सारी पार्टीज का एक साथ आना कांग्रेस की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी ना होना महंगाई का बढ़ना और

तो अब क्या होता है जो स्प्लिट होता है ना वो स्प्लिट के बारे में हम क्या करने वाले हैं इस वीडियो में स्पेसिफिकली पढ़ेंगे रेफरेंस क्या रहेगी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन मतलब कि देखो 67 के चुनाव के बाद से आप देखोगे इंदिरा वर्सेस सिंडिकेट

आप देखेंगे ना तो 1967 में प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन होते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में मैं और आप तो वोट करने जाएंगे नहीं आर दी पार्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एमपी एमएलए वोट करते हैं ठीक है तो एमपीज और एमएलए ने वोट करके नाइनटीन में जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे उन्हें इलेक्ट कर लिया था देखो सारे फिनोमिना जो रहते हैं ना बहुत बेहतरीन तरह से जुड़े हुए रहते अगर तरीके से पढ़ा जाए तो अब पता है डॉक्टर डॉक्टर जाकिर हुसैन को समय प्रेसिडेंट इंदिरा गांधी ने क्यों चूज करवाया क्योंकि उस समय पे मैंने आपको ये बताया था कि 67 का टाइम पीरियड ऐसा था कि जब कंट्री में कम्युनल हारमनी डिस्टर्ब हो चुकी थी दंगे हो रहे थे जिसमें बताया जबलपुर में हिंदू मुस्लिम्स के दंगे हो रहे थे ये इलेक्शन का टाइम पीरियड था तो किस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज अपने कार्ड खेलती है वो आपको थोड़ा एनालाइज करना है हिस्ट्री जो होता है ना हिस्ट्री इज दी बेस्ट टीचर हिस्ट्री से आप सीख सकते हो काफी कुछ तो उस समय पर जो दंगे हो रहे थे कंट्री में जो कम्युनल कलरिंग हो रही थी ठीक है तो उसमें पार्टी अपने आप को सेक्युलर दिखाना चाह रही थी तो पार्टी ने जब

अब क्या होता है डेथ हुई जाकिर हुसैन की अब क्या सवाल यह है अब आए कि अब दूसरे प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाए ठीक है दूसरे प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाए यह कहानी आती तो पहले प्रेसिडेंट थे जो अपना टर्म पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए उन्हीं के टाइम पीरियड में क्या होगा आप देखेंगे तो दूसरे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा अच्छा जब ये प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे तो वाइस प्रेसिडेंट क्या करेंगे एक्ट करेंगे प्रेसिडेंट की तरह ऐसा इलेवंथ में पढ़ के आया हुआ आप ठीक है तो अब देखो क्या होता है दी राइवलरी बिटवीन सिंडिकेट एंड इंदिरा गांधी केम इन इन ओपन 1969 1969 में डायरेक्ट आमना सामना हो गया जो फैक्शनल राइवलरी थी इंदिरा गांधी के बीच में और सिंडिकेट्स के बीच में कैसे आता है तो मैंने बताया कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो प्रेसिडेंट थे उनकी डेथ हो जाती है ठीक है अब क्या है पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट जो है वो वेकेंट हो जाती है

इंदिरा गांधी नहीं चाहती थी कि नीलम संजीव रेड्डी जो है ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी प्रेसिडेंट बने अब प्राइम मिनिस्टर ये प्रेसिडेंट सिंडिकेट ग्रुप था कांग्रेस पार्टी का सिंडिकेट तो ग्रुप क्या चाहता था कि नीलम संजीव रेड्डी क्या बने प्रेसिडेंट बने ठीक है अब देखो आगे क्या होता है तो डिस्पाइट मिसिसकेट मैनेज टू नॉमिनेट हर लॉन्ग टाइम अपोनेंट एंड देन स्पीकर ऑफ लोकसभा नीलम संजीव रेड्डी सिंडिकेट्स के ग्रुप में एक और बड़ा नाम कौन सा था नीलम संजीव रेड्डी अब नीलम संजीव रेड्डी जो थे तो उन्होंने क्या किया मतलब वो एक तरह से कह सकते हैं कि अब सिंडिकेट्स वर्सेस इंदिरा तो हम पढ़ी चुके हैं पिछले टॉपिक में कि इंदिरा गांधी और सिंडिकेट्स के बीच में क्या फैक्शनल राइवलरी थी अब उस स्थिति में समझना उस स्थिति में जो सिंडिकेट ग्रुप था ना तो इंदिरा गांधी के ना चाहते हुए सिंडिकेट ग्रुप ने किसका नाम पुष्ट किया कांग्रेस पार्टी की तरफ से कांग्रेस पार्टी की तरफ से नीलम संजीव रेड्डी का नाम पुष्ट किया गया ठीक एज ऑफिशियल कांग्रेस कैंडिडेट फॉर इंश्योरिंग प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अब क्या होता है इंदिरा गांधी तो जिस पार्टी में थी कांग्रेस पार्टी में तो कांग्रेस पार्टी ने अपना कैंडिडेट प्रेजेंट कर दिया कौन था उनका कैंडिडेट नीलम संजीव रेड्डी अब क्या होता है देखो अंडर दी टेबल इंदिरा गांधी रिटेलिएटेड बाय एनकरेजिंग द देन वाइस प्रेसिडेंट विधि गिरी ठीक है टू फाइल हिस नॉमिनेशन एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ठीक है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी तो अपना नाम रख सकता है कि मुझे प्रेसिडेंट बनना है ठीक है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी क्या कर सकता है अपने आप को प्रेजेंट कर सकता है जी हाँ तो जो उस समय के वाइस प्रेसिडेंट थे उस समय के वाइस प्रेसिडेंट ने भी क्या कर दिया नॉमिनेशन फाइल कर दिया कि भैया मैं वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट से हट के अपने को प्रेसिडेंट बनाना चाहता हूं इलेक्शन में कंटेस्ट करना चाहता हूं करो ठीक है खूब करो आजादी उस की। अब क्या देखो तो कांग्रेस को तो पार्टी विच दे, दे आर इन दी मूड टू इलेक्ट नीलम संजीव रेड्डी एज दी, दी प्रेसिडेंट और कांग्रेस जिसको चाहेगी वो बने गई क्यों क्योंकि मेजोरिटी पार्टी है ना मेजोरिटी पार्टी का जो कैंडिडेट होगा वही बनता है प्रेसिडेंट नॉर्मली होता है ठीक है अब क्या होता है लेकिन उस पार्टी की जो प्राइम मिनिस्टर है वो नहीं चाह रही प्रेसिडेंट बनाया जाए अब देखो क्या है तो अब घमासान यहां चालू होगा कैसे घमासान चालू होगा उस चीज को समझना है कि इंदिरा गांधी के जो कैंडिडेट थे ना इंदिरा गांधी के कैंडिडेट मतलब क्या इंदिरा गांधी जिन्हें सपोर्ट थी वीवी गिरी उन्होंने पछाड़ दिया किसको नीलम संजीव रेड्डी को आप बोलोगे ऐसा कैसा हो जाता सर कांग्रेस जो है ना तो कांग्रेस तो डोमिनेट कर रही है तो कांग्रेस डोमिनेट कर रही है तो कांग्रेस जिस पार्टी जिस कैंडिडेट को बनाना चाहेगी प्रेसिडेंट वही बनेगा क्योंकि एमपीज और एमएलएस वोट करेंगे किस हिसाब से जिस हिसाब से पार्टी का प्रेसिडेंट उन्हें बोलेगा देखो अब यहां क्या खेल होता है इस चीज को समझना बहुत मजेदार चीज है ठीक है इंदिरा गांधी शी ऑल्सो अनाउंस सेवरल बिग एंड पॉपुलर पॉलिसी मेजर्स लाइक नेशनलाइजेशन ऑफ लीडिंग प्राइवेट बैंक्स एंड दबोलिशन ऑफ पर्स इसे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में ठीक है इंदिरा गांधी ने क्या क्या देखो अब इंदिरा गांधी ने इस तरह से आप देखो कि 69 आते आते हैं उन्होंने कुछ अनाउंसमेंट ऐसे भी कर दिए मतलब ये अनाउंसमेंट आपको क्या चीज दर, दर्शा रहे आप खुद अपने मन में, में जवाब देने और जवाब दे पा रहे हो तो सही रास्ते पे जा रहे हो नेशनलाइजेशन ऑफ फोर्टीन लीडिंग प्राइवेट

इंदिरा गांधी ने उन चैलेंजेस को टैकल करने का सीधा क्या बता दिया था कि अब जो पावर स्ट्रगल है उसे आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल में बताना होगा ठीक है इंदिरा गांधी अपना लेफ्ट की तरफ टिल्टेशन दिखा रही है अब देखोगे तो इंदिरा गांधी के जो एक कह सकते हैं कि अपोनेंट रहे पार्टी के अंदर ही थे लेकिन एक अपोनेंट रहे क्यों क्योंकि जब 66 में पॉलिटिकल सक्सेशन की बात हो रही थी ना तब इंदिरा गांधी को चैलेंज किसने किया था मोरारजी देसाई ने तो मोरारजी देसाई वाज दी डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर ठीक है मोरारजी देसाई डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और प्राइम देखो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जैसा क्या होता है डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट जो होती तो आई गेस डिफेंस दे, होम मिनिस्टर के लिए डेप्यूटी दे, प्राइम मिनिस्टर रहते हैं ठीक है तो

अब इस बीच में क्या होता है पता है 69 के टाइम पीरियड में इंदिरा गांधी जब बैंक को करवाना चाह रही थी इंदिरा गांधी मोरारी देसाई से बोलती है कि एक काम करो ठीक है आप क्या है सिंहासन छोड़ो किस चीज का फाइनेंस मिनिस्टर का डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बने रहो मुझे कोई दिक्कत नहीं है फाइनेंस मिनिस्टर का पोर्टफोलियो मैं संभालूंगी तो उन्होंने बोला कि आप मुझसे छोड़ने का मतलब एक... एक तरह से क्या बोल रहे हैं कि आप ये जो सारे स्टेप्स लेना चाह छोड़ देंगे ठीक है फिर बाद में आप आगे देखोगे न, तो अगले जो प्राइम मिनिस्टर बनना है नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट केवन में सेवेंटी में पहली नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनती है उसके प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई बनेंगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे बैकग्राउंड अभी बता रहा हूं रखना ठीक है यहां तक कहानी समझ में आई आपको कि इंदिरा गांधी का लेफ्ट की तरफ टिल्टेशन क्लियर दिख रहा था मोरारजी देसाई जो थे फाइनेंस मिनिस्टर ठीक है तो ही वाज नॉट हैप्पी ऑन बोथ कि प्रीवी पर्स को बॉलिश किया जाए नेशनलाइजेशन हो बैंक का

तो तो वीवी गिरी जो थे तो उन्हें अपना कैंडिडेट बना के उतारा है ठीक अब वीवी गिरी की हम बात पढ़ते हैं आ, वीवी गिरी को पहले समझ लेते थोड़ा सा देखो तो यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम सिक्सटी नाइन टू नाइन सिक्सटी नाइन टू सेवेंटी फोर एक चीज आपको क्लियर होगी हाँ वो प्रेसिडेंट बनने वाले हैं ठीक है बनेंगे मतलब फिर क्या है कांग्रेस वर्कर एंड लेबर लीडर फ्रॉम आंध्र प्रदेश

कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कांग्रेस की जो प्राइम मिनिस्टर थी तो अंडर दी टेबल सपोर्ट किसको दिया था उन्होंने विधि गिरी को दिया था और कारण कि सिंडिकेट्स और इंदिरा गांधी के बीच में नहीं बनती थी ठीक अब देखो क्या है तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन रंगमंच जो सिंडिकेट थे उन्होंने क्या एफर्ट लिए पता है तो कांग्रेस प्रेसिडेंट एस निजलिंगप्पा एस निजलिंगपा के बारे में हम पिछली वीडियो में पढ़ के आए तो इस टाइम पीरियड में एस निजलिंगअपा जो थे कर्नाटक के ठीक है वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के प्रेसिडेंट मतलब इस ना कि पार्टी का जो प्रमुख होता है पार्टी प्रमुख तो वैसे कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट थे कंफ्यूज मत होना यहाँ पे कांग्रेस प्रेसिडेंट लिखा है कंट्री के प्रेसिडेंट की बात नहीं कर रहे हम कंट्री के प्रेसिडेंट के तो इलेक्शन हो रहा है अभी ठीक है तो जो कांग्रेस प्रेसिडेंट थे अब क्या होता है कि कांग्रेस पार्टी के जितने भी एमएलए हैं एमपी वो किसकी बात सुनेंगे ठीक है जो पार्टी का प्रमुख है पार्टी का चीफ एक तरह से देखा जाए पार्टी का जो प्रेसिडेंट है तो पार्टी के प्रेसिडेंट के पास एक पावर होती है विप इशू करने की ठीक है जब आप पॉलिटी पढ़ते हो ना तो विप का एक प्रोविजन आता है खास करके जो कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं ध्यान रखना तो विप इशू किया जाता है किसके द्वारा पार्टी प्रेसिडेंट के द्वारा और विप जब इशू किया जाता है तो विप के थ्रू ऐसा बोलते हैं कि हाँ आप सारे मतलब एक तरह से क्या हो रहा है विप इशू जब की जाती है तो उससे जितने भी एमपी

रिक्वेशन ठीक है री रिक्वेश्चन अ स्पेशल मीटिंग ऑफ ए आई सी सी बट दिस वॉज रिफ्यूज ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी जो है ना तो उसकी मीटिंग उन्होंने बुलवाना चाहिए कि रिक्वेशन uh, मतलब क्या होता है रिक्वेशन मतलब ये होता है कि हम एक uh, तरह से डिमांड कर रहे हैं कि आप एक बार मीटिंग करवाओ ठीक है पार्टी के कुछ लोग जो हैं वो नहीं चाहते कि संजीव रेड्डी को प्रेसिडेंट बनाया जाए लेकिन क्या होता है ये कौन डिसाइड करेगा प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा ना पार्टी का तो पार्टी के प्रेसिडेंट ने परमिशन देने से मना कर दी तो दिस वॉज रिफ्यूज ठीक है एंड आफ्टर साइलेंटली सपोर्टिंग वीवी गिरी दी प्राइम मिनिस्टर ओपनली कॉल्ड फॉर अ कंसाइन्स वोट ठीक है साइलेंटली तो वीवी गिरी को सपोर्ट कर ही रहे थे उन्होंने सोचा था कि पार्टी की मीटिंग आएगी तो मैं अपनी बात रख पाऊंगी और लेकिन पार्टी की मीटिंग जो थी होना था ठीक है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीटिंग जो होना था तो वो कैंसिल कर दी प्रेसिडेंट ने पार्टी प्रेसिडेंट ने तो इसके चलते क्या है इंदिरा गांधी अब ओपनली बोलती है सारे ही कांग्रेस एमपी से और एमएलए से क्या बोलती है कि भैया

ठीक है जब ऐसा करा ना जब ये मतलब ये सारा खेल हुआ तो इसका आउटकम क्या निकल के तो इंपॉर्टेंट है इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री, हिस्ट्री में कि रूलिंग पार्टी का जो कैंडिडेट था वो प्रेसिडेंट के चुनाव हार गया और एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत गया क्यों जीत गया तो क्योंकि बहुत सारे लोगों ने रूलिंग पार्टी के लोगों ने अपनी पार्टी के कैंडिडेट को वोट ना देते हुए ठीक है अपने प्राइम मिनिस्टर जिस

इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने चुनाव जीत के दिखा दिया प्रेसिडेंट का ठीक है अब आपको यही चीज कार्टून में भी तो का लेटा हुआ ये कौन है नीलम संजीव रेड्डी है देखो क्वेश्चन ऐसे आते कार्टून बेस्ड क्वेश्चन की कार्टून में कौन कौन है ये इंदिरा गांधी आपको दिख रहा है ठीक है लेफ्ट हैंड में उनके क्या है ग्लव है फिर अगली चीज देखोगे तो ये एस निजलिंग्पा है कांग्रेस के क्या है Uh, उस समय के प्रेसिडेंट पार्टी प्रेसिडेंट थे जिन्होंने वेप इशू करी थी कि सब वोट किसको देंगे कांग्रेस का जो ऑफिशियल कैंडिडेट है नीलम संजीव रेड्डी लेकिन नील, नीलम संजीव रेड्डी चारों खाने चित है ठीक है विक्ट्री किसकी हुई यहां पर विवी गिरी की और विवी गिरी की जो विक्ट्री हुई है तो वह क्यों हुई है लेफ्ट हुक जो दिख रहा है ना लेफ्ट हुक मतलब क्या है कि आपको देख रहा है इंदिरा गांधी की पॉलिसीज प्रोग्राम्स लेफ्ट की तरफ ओरिएंटेड थे लेफ्ट की तरफ ओरिएंटेड थे तो इसके चलते क्या है ये पूरी कहानी जो है उस कार्टून के थ्रू दर्शाई जा रही है कार्टून समझ में आया ना ये क्या कार्टून कहना चाह रहा है ठीक तो द लेफ्ट हुक वाज पब्लिश्ड आफ्टर द विक्ट्री ऑफ वी वीवीगिरी द बॉक्सर विद द गारलैंड ये गले में माला डली हुई है मतलब क्या है कि जीत हो गई है ठीक है विक्ट्री वाला अब फिर क्या है ओवर दी नॉमिनी ऑफ सिंडिकेट्स रिप्रेजेंटेड हियर बाय निजलिंगप्पा ऑन नी तो निजलिंगप्पा अपने घुटनों पे आ गए हैं। कांग्रेस प्रेसिडेंट वो बोल रहे कि वो भैया मेरा कैंडिडेट तो चित हो गया लेफ्ट हुक जो पढ़ा है उसे तो ठीक है लेफ्ट हुक का मतलब यहां पे वही है कि वो लेफ्ट के जो ओरिएटेशन थे लेफ्ट से जुड़े हुए जो प्रोग्राम्स थे कांग्रेस के उस उसने कहीं ना कहीं क्या किया दूसरे लोगों को अट्रैक्ट किया इनफैक्ट आप देखोगे तो अब आगे क्या होता है देखो आगे की कहानी भी कनेक्ट करना है जरूरी है कनेक्शन डेवलप करते चलना द डिफीट ऑफ ऑफिशियल कांग्रेस कैंडिडेट फॉर्मलाइज द स्प्लिट इन पार्टी तो यहां पे तय हो गया कि आज से हम और आप अलग ठीक है

उन्होंने ऐसा कहा कि मैं प्रेसिडेंट हूं पार्टी का और मैं बोल रहा हूं कि ये जो महिला है जो प्राइम मिनिस्टर के बैठी है इसने गलत किया है इसने पार्टी की गाइडलाइंस के अगेंस्ट जाते हुए काम किया है मैं इसे पार्टी से निकालता हूं तो वो महिला क्या बोलेगी भैया प्राइम मिनिस्टर तो मैं हूं ना प्राइम मिनिस्टर मैं हूं रियल कांग्रेस जो है तो ठीक है शीक्लेम दैट हर ग्रुप रियल कांग्रेस तो वो लगी कि मेरा जो सपोर्टर है वो रियल कांग्रेस के लोग हैं ठीक है ठीके? आप कौन होते हैं मैं तो है? पार्टी और कैंडिडेट के बीच में क्या, तो के में क्या दोनों के बीच में कंफ्लिक डेवलप हो गए अब पार्टी के प्रेसिडेंट के पास ये पावर रहती है कि विप इशू करी थी विप नहीं मानी तो वो क्या कर सकते हैं एक तरह से डिस्कालीफाई कर सकते हैं तो उन्होंने बोल दिया कि हम तुम्हें पार्टी से बाहर निकाल रहे हैं पार्टी से बाहर निकाल रहे निकाल दो पार्टी से बाहर अब क्या होता है तो कांग्रेस पार्टी बाय नवंबर 1969 तो नवंबर 1969 आते आते क्या होता है कांग्रेस दो पार्ट में बढ़ जाती है कांग्रेस ओ जो रहती है तो दी ग्रुप दी कांग्रेस ग्रुप लेड बाय दी सिंडिकेट्स तो सिंडिकेट्स जितने भी इंदिरा गांधी से नाखुश थे ठीक है वो सब कांग्रेस ओ में रह गए ठीक अब कांग्रेस ओ जो है तो कांग्रेस ओ स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजेशन ठीक है और इनफॉर्मली uh, से ओल्ड कांग्रेस भी कहा जाता है ठीक है है ओल्ड कांग्रेस कांग्रेस भी कहा जाता और आर आया, uh, जैसे करना होता ना कुछ तो वैसे ही क्या यहां पर इंदिरा गांधी क्या चाहती थी ठीक है uh, लेकिन वो उस चीज को अप्रूव नहीं किया था तो उन्होंने अपने कांग्रेस को कांग्रेस आर नाम दिया ठीक है

कुछ एमपीज बढ़ गए होंगे तो जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं क्या कि 283 सीट्स मिली थी किसको कांग्रेस को कब 67 के चुनाव में 67 के जो जनरल इलेक्शन हुए थे अब क्या होता है ये 263 कब तक थी नवंबर Uh, nine, 1969 के पहले तक अब 1969 में जब स्प्लिट आया ना स्प्लिट आने के कारण क्या है 220 जो हैं तो, तो, तो अब सवाल यह आता है कि अब ना तो इनके पास मेजोरिटी है ना इनके पास मेजोरिटी है तो कांग्रेस ओ चाहता तो क्या कर सकता था नो कॉन्फिडेंस मोशन लाता और इंदिरा गांधी की सरकार को गिरा देता क्यों नहीं लाया सर इन्होंने समझो मेरी बात को मिल गया था। गांधी को दूसरी मिल गया था। जितनी भी लेफ्ट ओरिएंटेशन वाली पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी ने इंदिरा गांधी का साथ दे दिया और आपको पता ही है कि सिक्सटी के चुनाव में इंदिरा गांधी की मेजोरिटी कम हुई थी तो जब इनके पास सीट कम आई तो दूसरी पार्टी के पास बड़ी होगी डीएमके ने सपोर्ट दे दिया था ठीक है डीएमके जो है तो अब द्रविण मुनेता कजगम पार्टी के बारे में जो पढ़ के आए थे हमने तमिलनाडु की जो पार्टी अभी पिछले वीडियो में पढ़ा ना स्टेट पार्टी जिसने खुद के दम पे क्या गवर्नमेंट बनाई थी तो वहां पे स्टेट गवर्नमेंट तो बनाई थी डीएमके ने साथ ही साथ क्या है डीएमके ने आप जैसे देखोगे तो लोकसभा के चुनाव में भी अच्छी खासी सीटें जीती थी तो वो सीटें सब क्या हो जाती प्लस हो जाती के साथ में। तो गया लेकिन फिर भी इंदिरा गांधी ने जैसे तैसे जोड़ तोड़ के क्या कर लिया अपनी मेजोरिटी को बचाए रखा मतलब वो जो मैजिकल फिगर था 261 का उस समय पे, इतनी मेजोरिटी चाहिए रहती थी ठीक है तो अपनी मेजोरिटी उन्होंने बचा के रखी है ठीक है कुल मिला कहानी कहानी है कि सरकार गिरी नहीं इंदिरा गांधी की क्यों क्योंकि इंदिरा गांधी पार्टी का स्प्लिट हो गया है सिंडिकेट वाला ग्रुप भाग गया कांग्रेस ओ बना ली लेकिन कांग्रेस आर जो थी तो कांग्रेस आर मैनेज टू हैव मेजॉरिटी फिगर इन लोकसभा ठीक है जिसके चलते क्या अपनी सरकार बचा सकी थी तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया डीएमके वगैरह से सपोर्ट ले लिया उन्होंने ठीक सपोर्ट ले लिया तो दी ग्रुप लेड बाय इंदिरा गांधी कांग्रेस आर बन गया तो दी इंदिरा गांधी प्रोजेक्टेड दी स्प्लिट एज एन आइडियोलॉजिकल डिवाइड अच्छा बोलोगे सर कम्युनिस्ट पार्टी ने कांग्रेस को सपोर्ट क्यों दे दिया वो तो कांग्रेस के का अगेंस्ट में थी लेकिन यहां जो कांग्रेस आर बन रही है ना ठीक है ठीक है न्यू कांग्रेस भी कहा जाएगा आगे जाके तो ये कांग्रेस आर जो बन रही है तो ये लेफ्ट हक के साथ आई है लेफ्ट ओरिएंटेशन था तो इसी के चलते क्या इंदिरा गांधी के लिए ज्यादा दिक्कत नहीं हुई कि दूसरे पार्टी से सपोर्ट लिया जाए इनफैक्ट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने हंसते हंसते सपोर्ट दिया क्योंकि इंदिरा गांधी के पॉलिसी प्रोग्राम्स उस तरह के थे लैंड रिफॉर्म की बात करी थी नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक की बात करी थी बॉल्यूशन ऑफ प्रीवीपर्स की बात कर रही थी वो ठीक है तो इंदिरा गांधी प्रोजेक्टेड दि स्प्लिट एज आइडियोलॉजिकल डिवाइड बिटवीन सोशलिस्ट एंडी ने क्या बोल दिया तो गांधी ने अपना तो कह सकते बड़ाया ही बढ़ाया बोल दियाटिव तो है ये आपके देश का विकास नहीं होने देंगे ये तो कुछ ही लोगों के पास पावर रखना चाहते हैं ठीक है थीके? तो इस तरह से इंदिरा गांधी का मास्टर स्ट्रॉक रहा ठीक बिटवीन दी प्रो पुअर एंड दी प्रो रिच यह कह दिया कि जो कांग्रेस uh, ओ oh, है ना ये तो क्या है प्रो रिच है मेरी कांग्रेस सही कांग्रेस है ठीक है मेरी कांग्रेस प्रो पुअर है क्योंकि उनकी पॉलिसीज में रिफ्लेक्ट हो रहा था लेफ्ट आइडियोलॉजी ठीक है आइडियोलॉजी विच वाज इन फेवर ऑफ पुअर्स डाउन रूडेंट ठीक है एंड दी पीजेंट्स तो ये पूरी कहानी रही है अब आपको देखो अब आपको बहुत कुछ जानने को मिला इस टॉपिक में तो इस टॉपिक को एक बार थोड़ा समराइज करेंगे हम ठीक है कार्टून और देख लो पहले तो वी वुड लाइक टू रिमाइंड यू दैट विश टू सी कांग्रेस ठीक है इंदिरा गांधी जब स्प्लिट हो गई तो कांग्रेस सिंडिकेट जो है ना ये लिखा है दी इंडियन नेशनल सिंडिकेट इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सिंडिकेट ग्रुप बना था कांग्रेस वो तो कांग्रेस ओ क्या हंस रहे हैं किसको कांग्रेस uh, आर को वो बोल रहे हैं कि हां महात्मा गांधी भी क्या ही चाहते थे कि कांग्रेस डिजोल्व हो जाए मतलब इसके पीछे यह है कि महात्मा गांधी की जो आइडियोलॉजी थी वो क्या चाहते थे पार्टी लेस पॉलिटिक्स चाहते थे कि पॉलिटिकल जो पार्टीज है ना उनकी जरूरत नहीं आजादी मिल गई ना अब ग्राम स्वराज आना चाहिए लोग अपने अपने हिसाब से डेवलप होंगे रूरल लेवल पे ठीक है पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत नहीं महात्मा गांधी ये चाहते थे ठीक है तो वो कार्टून के थ्रू यही बताया गया क्या कि अच्छा है तुमने कांग्रेस को डिजोल्व कर दिया मतलब कांग्रेस का एक हिस्सा अलग कर दिया अब धीरे धीरे कांग्रेस ऐसे डिजोल्व ही जाएगी महात्मा गांधी खुद नहीं चाहते थे मतलब महात्मा गांधी खुद ये चाहते थे कि कांग्रेस डिजोल्व हो जाए ठीक है तो वो सटायर के फॉर्म में बताया गया कार्टून में ठीक इस वीडियो में एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे जो है अबोलिशन ऑफ प्रीवीपर्स सबसे पहला सवाल कि प्रीवीपर्स है क्या दूसरा सवाल इसे अबोलिश क्यों किया गया तो आप इस वीडियो में ये सारे सवाल जो है इनके जवाब जानने वाले हो बड़े मजेदार तरीके से देखो तो ये बहुत इंटरेस्टिंग इवेंट है इंडियन पॉलिटिक्स को समझना है ना तो इंडियन पॉलिटिक्स में जो कहते हैं कि दी रोड टू सोशलिज्म ठीक है रोड टू सोशलिज्म इज वर्ड यूज्ड

देश आजाद हुआ तो हमारे सामने क्या चैलेंज था हमारे सामने यह चैलेंज था कि ब्रिटिशर्स ने तीन ऑप्शन दिए थे या तो जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनके पास में तीन ऑप्शन थे या तो आप इंडिया के साथ चले जाइए पाकिस्तान के साथ चले जाइए इंडिपेंडेंट रह लीजिए ठीक है और इंडियन गवर्नमेंट के सामने यहां पे यह चैलेंज था प्रिंसली स्टेट्स को तो तीन ऑप्शन मिल गए इंडियन गवर्नमेंट के सामने यह चैलेंज था कि इंडियन गवर्नमेंट इन सारे प्रिंसली स्टेट्स को पटाकर अपने पास कैसे लाए मतलब इंडियन यूनियन का पार्ट कैसे बनाए तो अधिकतर जो बड़े करेंगे, उनके पास पैसा होगा उनके पास होगी, और तरह, तरह के क्या, उन्हें इंडिपेंडेंस मिलने वाले हैं ठीक है, तरह तरह है अगर वो प्रिंसली स्टेट्स इंडिपेंडेंट रहेंगे तो ठीक अब इस केस में मतलब ऐसा रहता ना कि मैं तो अकेला ही मजे में हूं मैं क्यों इंडियन यूनियन के साथ मिलूं प्रिंसली स्टेट्स का ये सोचना था वहां पे इंडियन गवर्नमेंट ने ठीक है इंडियन गवर्नमेंट ने और स्पेसिफिकली कहा जाए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक स्कीम निकाली ठीक है रातों रात पैसे डबल करने वाली क्या स्कीम थी वो वो स्कीम ये थी कि आप सिंपल सा अगर आपको प्रिंसली स्टेट्स को अपने साथ इंटीग्रेट करवाना है इंडियन यूनियन का पार्ट बनवाना है तो आपको डील कुछ ऐसी रखना पड़ेगी उन्हें फायदा मिले ठीक है तो उस समय पे क्या है उस समय पे क्योंकि इंटीग्रेशन जो था कंट्री का वो एक मेजर इशू था ठीक तो उसके चलते क्या है कि प्रिंसली स्टेट्स के जो रूलर्स थे ना उन्हें ये अश्योरेंस दिया गया कि देखो आप अपनी प्रॉपर्टी बचाए रखना ठीक है ऐसा नहीं कि हम आपकी प्रॉपर्टी छुड़ा लेंगे अब देखो क्या है कि बड़े बड़े महल हुआ करते थे बड़े बड़े किले हुआ करते थे आज भी आप जैसे देखोगे और ये पता ये पता है इवेंट जो इसमें बताने के लिए इतना सारा है लेकिन अब वो टाइम कॉन्स्टेंस रहता है इसके लिए मैं आपको शॉर्ट में चीजें बता रहा हूं अब क्या हो रहा है कि इस टाइम पीरियड में बड़े बड़े किले थे अब इंडिपेंडेंस के टाइम पीरियड में हमें किले से कुछ लेना देना नहीं था हमें बस ये था कि वो किला इंडियन यूनियन का पार्ट रहे तो इंडियन गवर्नमेंट ने उस समय प्रीवी पर्स का कंसेप्ट निकाला और कॉन्स्टिट्यूशन में एड किया गया ठीक है तो कॉन्स्टिट्यूशन मेंश्योरेंस टू दॉज गिवन दैट आफ्टर दिजोल्यूशन ऑफ प्रिंसली रूल रूलर्स रूलर्स फैमिलीज वुड बी अलाउड टू रिटेन सर्टन प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड गिवन अ ग्रांट ऑफ हेरिडिट्री और गवर्नमेंट अलाउवेंस ठीक है तो क्या चीजें ध्यान रखना प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है तो प्राइवेट प्रॉपर्टी पे आपका क्या रहेगा कंट्रोल uh, रहेगा ठीक है यू विल बी एबल टू हैव अ रिटेन ऑन दी प्राइवेट प्रॉपर्टी आपको ग्रांट इन हेरिडिटरी और गवर्नमेंट मिली जाएगी गवर्नमेंट अलाउंस मिलेगा मेजर्ड ऑन दी बेसिस ऑफ एक्सटेंट रेवेन्यू एंड पोटेंशियल ऑफ द इमर्जिंग स्टेट्स

और गवर्नमेंट ठीक है तो उन्हें ग्रांट अलाउंसिडिटी दिया जाएगा या फिर गवर्नमेंट दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से एक सम सम ऑफ ऑफ मनी अमाउंट जो है वो पे किया जाएगा मतलब एक तरह से पेंशन मिलेगी आपको ठीक है आप पेंशन क्यों देंगे तो इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि वो राजा तो हो सकता है ना कि अगर मैं इंडियन यूनियन के साथ नहीं मिलूंगा तो मेरा तो अपना राज्य अपने राज्य से मैं टैक्स कलेक्ट करूंगा अपने हिसाब से पैसा कमाऊंगा ठीक है ये सारी चीजें की तय की गई है और ये बोल दिया गया कि जितना मेजर करेंगे कि जितना आपका कह सकते हैं कि प्रोविंस है ठीक है जितना आपका प्रिंसली स्टेट है आपका जितना रेवेन्यू जनरेट हो सकता था वो सारी चीजें नाप तोल के आपको उतना पैसा मिलेगा चिंता मत करना ठीक है बस आप क्या इंडियन यूनियन के साथ जुड़ जाओ ठीक और इसी चीज का कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन भी डाला तो आर्टिकल जैसे टू अब मत ढूंढने बैठ जाना अब अबोलिश हो चुका है ये अबोलिशन ऑफ प्रीवी फर्स्ट ठीक है तो ये रिपील हो चुका है

ठीक है तो वहां पे फिर क्या आप आज जो देखते हो कि आज राजस्थान में बड़े बड़े जो महल है वो होटल्स में कन्वर्ट कर दिए तो वो क्यों कन्वर्ट हुए पता है तो उस समय पे एक लॉयर थे नानी पालखा पालखी वाला तो उन्होंने क्या आइडिया दिया उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी को तो नहीं रखने देगी गवर्नमेंट इसको क्या कर देगी सबको नेशनलाइज कर देगी तो इससे बेहतर है कि इस प्राइवेट प्रॉपर्टी के उस महल को आप क्या कर दो होटल में कन्वर्ट कर दो तो महल बच जाएगा आपका नहीं तो गवर्नमेंट तो खींच के ले ही जाएगी तो इंटरेस्टिंग है इवेंट्स से पढ़ते हैं हिस्ट्री को पॉलिटिकल हिस्ट्री को तो बड़ा मजा आता है ठीक है ये 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 कहानी तक, यहां तक समझ समझ में में आई तो इज पर्स आ गया और इस तरह की जो ग्रांट दी जाती थी इस ग्रांट को पर्स कहा जाता था अब आपके मन में एक सवाल आया होगा बहुत जोर से कि सर ये प्रिवी पर्स की तरह की ग्रांट देना सही है या गलत है अब गवर्नमेंट अबॉलिश कर रही है तो गवर्नमेंट क्या बोल रही होगी गलत है लेकिन दिया था तो तो भी गवर्नमेंट ने दिया था तब तो सही लग रहा था ठीक है तो गुड और बैड पे अगर क्वेश्चन आता है ना तो मतलब पर सही है या गलत है तो उस चीज को ऐसे समझा जाएगा देखो तो एक सेंस में क्या है वो सही भी है एक सेंस में सही कैसे है तो एट द टाइम ऑफ एक्सेशन देर देर वॉज लिटिल क्रिटिसिजम ऑफ दीज प्रिविलेजेस सिंस इंटीग्रेशन एंड कंसोलिडेशन वॉज दी प्राइमरी एम तो आप क्या है जब इंटीग्रेशन एक्सेशन की बात हो रही थी ना तो उस समय तो हम ये चाहते थे कि भारत जो आप कैसा लगेगा मान लो कि यह हमारा कंट्री है, इस कंट्री में एक प्रिंसली स्टेट ने मिलने से मना बोल दिया तो पूरी कंट्री की टेरिटरी और बीच में एक दूसरा स्टेट प्रिंसली स्टेट बैठा है तो प्रिंसली स्टेट्स को थोड़ा अगर पैसा भी देना पड़े तो भी चलेगा थोड़ा उन्हें प्रिविलेजेस देना पड़े तो भी चलेगा प्रिवीपर्स देना पड़े तो भी चलेगा बस वो कंट्री की कंट्री का पार्ट बन जाए इंटीग्रेट हो जाए ठीक है तो इंडिपेंडेंस के टाइम पीरियड में एक्सेसन के टाइम पीरियड में तो सही लग रहा था ये ठीक है तो कंसोलिडेशन क्योंकि हमारा प्राइमरी एम था तो हमने उस चीज को सही माना लेकिन क्या होता है जैसे अगर आप इसका बैड अगर वाला पार्ट देखो कि बाद में गवर्नमेंट ने अबॉलिश ही क्यों किया तो अगर बैड वाला पार्ट देखोगे ना तो येट ये प्रिविलेजेस नॉट कॉन्सोनेंट विथ प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी एंड सोशल इकोनॉमिक जस्टिस लेट डाउन इन दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं ठीक है तो ये सारी चीजें क्या है ये सारे आर्टिकल्स आपको क्या बताते हैं इक्वलिटी स्टेब्लिश करने की बात करते हैं तो यहां पर आप किसी को क्या दे रहे हेरिडेटरी प्रिवलेजेस दे रहे हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ इक्वेलिटी कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्यों रखा है इनक्वालिटी तो दिख रही है ठीक है इन तो दिख रही है तो अब आप बोलोगे सर ये यहां पे लेकिन जरूरी भी तो था यहां जरूरी भी था लेकिन वो कौन, जो प्रिंसिपल्स हैं ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन उनके साथ नहीं जा रहा था फिर अगर आप बात करेंगे सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस की सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस की अगर हम बात करें तो यहां पे क्या केस हो रहा है सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस वाले केस में कि जैसे गवर्नमेंट के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ डीपीएसपी जो है हमारे स्टेट पॉलिसी वो क्या कहते हैं वो यही कहते हैं ना डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की गवर्नमेंट को सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस लाना है तो गवर्नमेंट सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस लाने के लिए अपने पुराने लॉस को रिपील भी कर सकती है तो कॉन्स्टिट्यूशन में उस समय पर जरूरी था ठीक है एक तरह से बोलते तो हैं ना बच्चे क्या चलो चलो आप पढ़ाई करो तो हम आपको टॉफी देंगे अब वो टॉफी खिलाना बच्चे के लिए खराब है लेकिन आप उसको फिर भी लालच दे रहे हो तो वैसे तो ही कुछ यहाँ पे भी खेल हुआ ठीक है तो गुड और बैड वाली डिबेट तो आपको समझ में आई गई है तो अल्टीमेटली होता क्या है अब देखो अल्टीमेटली होता ऐसा है कि ऑफ प्रीवी पर्स जो है ये इंदिरा गांधी एक एजेंडा बनाती है और ये जब आप ऐसी बात करते हो कि जो स्टेट्स को एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं मैं उसे अबॉलिश कर दूंगी तो इससे आपका आपकी इमेज मिनिस्टर ठीक है तो फॉलोइंग सेवन इलेक्शन सेवन इलेक्शन इंदिरा गांधी सपोर्टेड दी डिमांड गवर्नमेंट शुड अबोलिश प्रिव्यूपर्स ठीक है गवर्नमेंट प्रिव्यूपर्स को अबॉलिश करे इस

मुरारजी देसाई मूव रॉन्ग एंड अमाउंटिंग टू अ ब्रीच ऑफ फेथ विद प्रिंसेस ठीक है मुरारजी देसाई को लगा ऐसा नहीं यार ये बात गलत है जब इंटीग्रेट करवाना था मतलब सिद्धांतवादी इंसान उन्हें ऐसा लगा कि जब इंटीग्रेट करवाना था तब तो आपने बोल दिया कि जुड़ जाइए आप आपकी प्रॉपर्टी भी रख लेना आपको हेरिडिटरी uh, अलाउंस भी मिलेगा गवर्नमेंट अलाउंस भी मिलेगा सब कुछ मिलेगा और अब अगर आप क्या कर रहे हो उनके प्रीवी पर्स को काट दोगे तो क्या हो जाएगा ये तो उनके साथ ब्रीच ऑफ फेथ है मतलब आपने धोखाधड़ी कर दी ठीक है धोखा इस तरह से लेकिन नेशनल इंटरेस्ट में सब कुछ जायज है तो यहां पे क्या है अब जैसे आप कभी कभी ऐसे डिलेमा में फंस जाते हैं जो एस्पिरेंट होता है ना जो कह सकते हैं कि की प्रिपरेशन कर रहा है अब आपसे इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए ये तो धोखा कराए इंडियन गवर्नमेंट ने तो आपको बताना होगा ठीक है कि प्रिंसली स्टेट्स के जो रूलर्स हैं ठीक है दे में परसीव इट एज अ फ्रॉड ठीक है विद्यम उन्हें ऐसा लगेगा कि यार खेलोगे हमारे साथ तो ठीक है कि हमें बोल दिया था और क्या है मतलब एक तरह से प्रिंसली

ठीक है तो आखिरकार हुआ क्या चलो वो भी देखते हैं आखिरकार हुआ क्या गवर्नमेंट ने प्रयास किए कि गवर्नमेंट अमेंडमेंट लाए 1970 में। लेकिन 1970 में में लेकिन नहीं थी ठीक है नहीं थी राज्यसभा में नहीं थी तो इस कारण से राज्यसभा में, में मेजोरिटी ना होने के कारण वो बिल पास नहीं हुआ पहला प्रयास फेल हुआ दूसरा क्या है ऑर्डिनेंस इशू कर दिया इंदिरा गांधी ने ऑर्डिनेंस इशू करके क्या बोला था ऑर्डिनेंस इशू करके इंदिरा गांधी ने ये बोल दिया कि बैंक को नेशनलाइज कर दो और पर्स को खत्म कर दो तो सुप्रीम कोर्ट में जब ये मुद्दा जाता तो

फायदा देख रहा है और गवर्नमेंट की इमेज कैसी बन गई थी प्रो पुअर बन गई थी तो ये ये जो सारी चीजें हो रही थी ना कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की इमेज को प्रो पुअर बना रही थी ठीक फिर क्या होता है अब ये हो गया उसके बाद में इंदिरा गांधी मेड दिस इनटू अ मेजर इलेक्शन इशू इन 1971 एंड गॉट अ लॉट ऑफ पब्लिक सपोर्ट और नाइनटीन के चुनाव में इंदिरा गांधी ने बोला कि यह मेरा चुनावी मुद्दा रहेगा कि मैं जीतती हूं अगर गरीबी हटाओ की बात की गई थी ना सेवेंटी वन का जो नारा रहा इंदिरा गांधी का भी आगे पढ़ेंगे हम जब रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस की बात करेंगे तो सेवेंटी वन के चुनाव में सीधा सा नारा दिया इंदिरा गांधी ने कि गरीबी हटाओ ठीक है अपोजिशन चाहता है इंदिरा हटाओ लेकिन मैं चाहती हूं गरीबी हटाओ तो इस कह सकते हैं कि क्या बनाया एक तरह का माहौल बनाया ठीक है ये पूरा उन्होंने क्या किया एजेंडा सेट किया अपना ठीक है तो इस एजेंडा के चलते उन्होंने क्या बात की उन्होंने बात करी कि मैं अगर चुनाव जीतती हूं तो मैं प्रीवी पर्स को खत्म कर दूंगा एंड खत्म कर दूंगी फॉलोइंग फॉलोइंग इट्स मैसिव विक्ट्री इन सेवेंटी और नाइनटीन का चुनाव जो था ना वो क्या है लैंडस्लाइड विक्ट्री दिलाता है

आज ये आर्टिकल्स रिपील हो चुके हैं जो प्रीवी पर्स को सपोर्ट करते थे तो इस तरह से अबॉलिशन होता है प्रीवी पर्स का आई होप अब आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई है ठीक है कि प्रीवी पर्स क्या था अबॉलिशन क्यों हुआ सही हुआ गलत हुआ ब्ला 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 पूरी स्टोरी तो ये होता है ठीक है तो आशा करते हैं चीजें समझ में आई आपको बेचारे प्रिंसली स्टेट्स ठीक इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दी 1971 इलेक्शन एंड रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस देखो ये ब्रॉड टॉपिक है ठीक है ये ब्रॉड टॉपिक है इन द सेंस कि यहां पे अब आपको एक पार्ट जो हमारा चैप्टर का वो कंप्लीट हो गया है कौन सा वाला चैलेंजेस वाला चैलेंजेस टू जो कांग्रेस को चैलेंजेस फेस करना पड़े थे वो हमने कंप्लीट कर लिया है अब हम बात करेंगे रिस्टोरेशन की ये भी था ना कि कांग्रेस क्या करती है कांग्रेस चैलेंजेस का सामना करती है और वो चैलेंजेस क्या थे तो हमने देखा कि कि कांग्रेस जो जो है है क्या होता वन पार्टी डोमिनेंस था वो 67 के इलेक्शन में खत्म हो जाता है पॉलिटिकल सक्सेशन का चैलेंज आता है सक्सेशन तो हो गया लीडर्स बन गए लेकिन वो लीडर्स के आपस में तालमेल नहीं बन पा रहे तो कांग्रेस स्प्लिट होती है ये सारी चीजें हमने पढ़ी है अगर आप चाहें तो दो मिनट में चलो रिवाइज कर लेते हैं हम चीजों को रिवाइज कैसे कर लेते हैं यहां पे समझो ठीक है ये आसान रहेगा थोड़ा क्या हो रहा है कांग्रेस के साथ में अगर आप समझेंगे तो कांग्रेस के साथ में कुछ ऐसा हुआ है कि 1964 ठीक है 1964 में जो कांग्रेस का चेहरा था कौन जवाहरलाल नेहरू जो थे तो जवाहरलाल नेहरू की डेथ के बाद में क्या है चैलेंजेस आए पॉलिटिकल सक्सेशन के ठीक है पॉलिटिकल कनेक्ट कर रहे हैं टॉपिक को ठीक है पॉलिटिकल सक्सेशन का क्या आया चैलेंज आया वो चैलेंजेस से ओवरकम करा पॉलिटिकल पार्टी ने उन चैलेंजेस से ओवरकम करते करते फिर क्या अगली समस्या जो आई कि उनके सामने जनरल इलेक्शन थे 1967 के अब 1967 के जो जनरल इलेक्शन थे ठीक है 1967 के जनरल इलेक्शन में समस्याएं और भी थी कि नॉन कांग्रेसिज्म जो है ठीक है तो नॉन कांग्रेसिज्म के चलते नॉन कांग्रेसिज्म के चलते क्या एक मजबूत अपोजिशन देखने को मिल रहा था पॉवर्टी बढ़ रही थी उस समय पे ठीक है पॉवर्टी बढ़ रही थी इन्फ्लेशन बढ़ रहा था ठीक है महंगाई बहुत ज्यादा थी पॉवर्टी इन्फ्लेशन का बढ़ना और उसी के साथ साथ में आप देखोगे तो पार्टी के अंदर भी क्या आने लगा था स्प्लिट आने लगा था मतलब ये स्प्लिट अभी क्लियर नहीं है ठीक है थीके? ये स्प्लिट अभी क्लियर नहीं है, लेकिन मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच में तो स्प्लिट था सिक्सटी के इलेक्शन में पहले से ठीक है ये स्थिति थी चुनाव हुए चुनाव होने के बाद में कांग्रेस जीती भी लेकिन क्या है बहुत रिड्यूस्ड के साथ जीती तो इसके बाद इसका इसका इंपैक्ट इंपैक्ट क्या हुआ ये होता है कि कांग्रेस की जो पोजीशन थी ना कांग्रेस की पोजीशन ठीक है तो यहां पे हम क्या लिखेंगे कांग्रेस की जो पोजीशन थी कांग्रेस कांग्रेस की जो पोजिशन थी वो डिक्लाइन होती है ठीक कांग्रेस की पोजिशन डिक्लाइन हुई उसके बाद अब आगे देखोगे तो सिक्सटी जो आया ये टाइम पीरियड क्या था ये टाइम पीरियड और भयानक साबित होता है 69 के जो, जो, तो जो, किस -किस तो जो सिंडिकेट्स थे ना तो कांग्रेस ओ हो गया ठीक है और जो नई इंदिरा गांधी की कांग्रेस बनी थी कांग्रेस जो बाहर निकल के आई कांग्रेस वो कौन सी थी रिक्विशन रिक्विशन कांग्रेस ठीक है तो कांग्रेस आर कांग्रेस अब ये, ये, ये तो चैलेंजेस हाँ, हमने समझ लिया अब क्या होता है अब कांग्रेस जो है वो रिस्टोर करेगी मतलब अपने को फिर से वो डुबकी मारी कांग्रेस ने कांग्रेस कम, कमजोर हुई है अब वो कांग्रेस ऊपर कैसे आई है ना वो समझना है कांग्रेस सिस्टम का वो वाला पार्ट आपको यहां समझना है तो कांग्रेस स्प्लिट ऑफ 1969 स्प्लिट हुआ रिड्यूस्ड इंदिरा गांधी ठीक है इंदिरा गवर्नमेंट टू कि इंदिरा गांधी के पास में समय पावर नहीं रह गई इंदिरा गांधी मेनोरिटी लेवल पर रिड्यूस हो गई थी मेनोरिटी लेवल पर मतलब जो मैंने आपको बताया भी था कि कांग्रेस ने सिक्सटी का जो चुनाव था ठीक है ये पॉइंट ध्यान रखना के चुनाव में कांग्रेस के पास कितनी सीट आई थी 283 हंड्रेड एटी अब मेजोरिटी के लिए कितनी चाहिए थी तो मेजोरिटी के लिए 261 चाहिए थी नंबर्स में कंफ्यूज मत होना वो तो आपको आसानी से समझा इसलिए नंबर बता रहा हूं मैं याद भी नहीं रखना है नंबर कोई याद नहीं रखना है मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूं नंबर तो अब क्या होता है टू हंड्रेड जो आई थी ना ये टू हंड्रेड सीट्स से ज्यादा मतलब टू हंड्रेड सीट्स चाहिए थी 283 थी, majority थी उन्होंने अपनी नाक बचा ली थी लेकिन क्या होता है कि 67 के बाद में समय बदलता है 67 के बाद 68 और फिर 69 आता है 69 में स्प्लिट हो जाता है ठीक है तो कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर कांग्रेस ओ वर्सेस कांग्रेस कांग्रेस आर हो जाता है ठीक है तो अब क्या हो रहा है इस स्थिति में अगर जैसे देखोगे ना तो स्प्लिट के बाद में जो इंदिरा की इंदिरा गांधी की जो गवर्नमेंट थी इट वाज रिड्यूस्ड टू माइनॉरिटी ठीक है दो कांग्रेस ओ के लोग थे वो भाग गए थे कांग्रेस ओ में इंदिरा गांधी के पास मात्र 220 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का सपोर्ट था और ये 220 क्या है ये 220 कम है किससे कम है दो अगर देखोगे आप जितना चाहिए रहता है मेजोरिटी फिगर जो चाहिए रहता है ठीक है मेजोरिटी फिगर जो चाहिए रहता है उतना नहीं था तो इसके चलते क्या हुआ इसके चलते इंदिरा गांधी को सपोर्ट लेना पड़ा खैर ठीक है अब सवाल आपके मन में यही आया होगा कि जब इंदिरा गांधी वॉस रिड्यूस टू माइनॉरिटी ठीक है उनके पास मेजोरिटी नहीं थी फिर वो सरकार बचा कैसे पाई ठीक है तो हाउ डिड दी कांग्रेस आर मैनेज टू बी इन पावर कांग्रेस आर कैसे मैनेज कर गई तो इट कंटिन्यूड इन ऑफिस विद द इशू बेस्ड सपोर्ट कम्युनिस्ट पार्टी इंदिरा गांधी का टिलेशन आपको लेफ्ट की तरफ होते हुए देखने को मिल रहा था ठीक है लेफ्ट की तरफ होते हुए देखने को मिल रहा था तो लेफ्ट पार्टीज ने क्या बोला कि हम आपका सपोर्ट करेंगे आप अपनी पॉलिसीज में लैंड रिफॉर्म की बात करना ठीक तो है तो इंदिरा गांधी ने बोला ठीक है लैंड रिफॉर्म में मिलाऊंगी ठीक है मुझे सपोर्ट दो तो इस तरह से क्या है कि जो 261 अचीव करना था तो कुछ छोटी मोटी पार्टी उसी के साथ साथ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया डीएम के ठीक है डीएम के तमिलनाडु की पार्टी इन सबका साथ लेते हुए टू से ऊपर उन्होंने क्या कर लिया सीट्स 261 एमएलए एमपीस का सपोर्ट अपने पास ले लिया तो इस तरह से कांग्रेस आर मैनेज टू बी इन पावर कांग्रेस आर ने अपनी मेजोरिटी को बचाए रखा ठीक है अब देखो क्या होता है लेकिन ड्यूरिंग दिस पीरियड द गवर्नमेंट मेड कॉन्शियस अटेम्प्ट्स टू प्रोजेक्ट इट्स सोशलिस्ट क्रेडेंशियल्स ये पॉइंट भी समझना है कि जिस किसी तरह से उन्होंने क्या अपने आप को पावर में तो रखा ठीक है इधर-उधर से सपोर्ट लेके लेकिन अब उन्हें ये भी दिख रहा था कि पावर अभी पूरी इंडिपेंडेंट इंदिरा गांधी की पावर नहीं है ये पावर क्या उन्होंने सपोर्ट लिया है ठीक है और वो क्या चाह रही थी कि एक बार क्लियर मेजॉरिटी मिल जाए तो वो अपने प्लान्स को और Uh, कह सकते हैं कि रेगुरसली क्या कर सकती है इंप्लीमेंट करवा सकती है इसी के 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 चलते क्या है तो इस time period में, इस time period में मतलब 69 69 बाद बाद से से जब split हो गया 69 के बाद से ही गवर्नमेंट uh, जो थी कांग्रेस आर जो थी ना कांग्रेस आर क्या प्रोजेक्ट कर रही थी कि वो एक सो, मतलब वो सोशलिस्ट क्रेडेंशियल्स रखती है वो लेफ्ट की तरफ है ठीक है कांग्रेस आर इज दी पार्टी ऑफ अर्स प्रो पुअर नेचर अपना दर्शा रही थी और वो जो अटैक कर रही थी दूसरी पार्टीज के ऊपर मतलब ऐसा तो बोल दिया कि कांग्रेस ओ तो कंजर्वेटिव की है ठीक है तो इनफेक्ट क्या होता है कि कांग्रेस ओ आप आगे जाके देखोगे ना इंडियन पॉलिटिक्स में मतलब आगे अगले चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे तो कांग्रेस ओ जो है वो कांग्रेस आर के अगेंस्ट में चुनाव लड़ती है और किसके साथ मिल जाती है वो तो जो एक समय पे कांग्रेस 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 ओ जो ओरिजिनल कहा कहा जाता जाता है 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 जिसे ठीक तो एक समय पे स्वतंत्र पार्टी हो गया या फिर एक समय पे सोशलिस्ट पार्टी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी जो कांग्रेस के अगेंस्ट थी ना कांग्रेस को उनके साथ ही मिलती बोलती कि नहीं इंदिरा गांधी की कांग्रेस आर को हराते हैं चलो ठीक है तो बहुत यहाँ पे क्या है कोई किधर कब पलट जाए किसी का भरोसा नहीं तो ये कहानी यहां तक समझ में आई है ना कि जो इलेक्शन था ठीक है, वो इलेक्शन क्या है वो इलेक्शन कांग्रेस के लिए, लिए गा, इंदिरा गांधी के लिए स्वाभिमान की बात हो गई थी कि अब उन्हें अपनी पावर को बचाए रखना है उस पावर को रिस्टोर करना है ठीक तो इलेक्शन एड जो इलेक्शन आने वाले थे कब आने वाले थे तो देखो 1967 में इलेक्शन हुए थे अब कब आएंगे 1972 में आना चाहिए थे, लेकिन आप बोलोगे सर यहां तो इलेक्शन ऑफ 1971 लिखा है तो 71 क्या है वो अभी समझ में आ जाएगा देखो तो आगे आने वाले इलेक्शन के लिए इंदिरा गांधी ने अपने आप को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया इंदिरा गांधी ठीक है विगरसली कैंपेन ठीक है कैंपेन फॉर इंप्लीमेंटिंग थी एक्सिटिंग लैंड रिफॉर्म लॉज उन्होंने बात करी कि मैं लैंड रिफॉर्म लॉज लाऊंगी ठीक है अंडरटूक फर्दर लैंड सीलिंग लेजिस्लेशन जिससे क्या होगा कि गरीबों में जमीन बांटी जाएगी तो इस तरह से क्या उन्होंने अपनी पूरी स्ट्रेटेजी जो है वो बनाना स्टार्ट कर दिए इन दिसंबर 1970 इंदिरा गांधी गवर्नमेंट रिकमेंडेड द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा अब ये आप इंडियन पॉलिटी जब पढ़ते हो कॉन्स्टिट्यूशन 11th में पढ़ के आए हो ना उसमें क्या है कि प्राइम मिनिस्टर जब एडवाइस कर देंगे ठीक है किसको प्रेसिडेंट को कि लोकसभा को डिसॉल्व कर दो तो प्रेसिडेंट क्या कर देंगे लोकसभा को डिसॉल्व कर देंगे मतलब क्या है कि प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया कि पांच साल बाद चुनाव आना लेकिन तीन साल में ऐसा लगा कि एक बार फिर से चुनाव लड़ लेता हूं मैं ठीक है और ऐसा क्यों किया जाता है वो बताता हूं कि तीन साल के टाइम पीरियड में कौ? अगर ऐसा लगता है प्राइम मिनिस्टर को मेरी अभी पॉपुलरिटी इस टाइम पीरियड में जनता बहुत खुश है मुझसे ठीक है

फिर इंदिरा गांधी ने बीच टर्म में ही तीन सालों में ही डिजोल्व क्यों करवा दिया मतलब अपनी पावर खुद बोल रही कि मुझे प्राइम मिनिस्टर नहीं रहना डिजोल्व कर दो ऐसा क्यों किया गया होगा क्या गलत स्टेप था चलो समझते हैं देखो ठीक है वाई तो इन ऑर्डर टू एंड हर डिपेंडेंस ऑन दी अदर पॉलिटिकल पार्टीज इज दी पॉइंट टू अंडरस्टैंड क्या कि आप देखोगे तो इंदिरा गांधी के पास में कितनी सीट थी खुद के जो कांग्रेस के एमपी उनके सपोर्टर थे वो मात्र 220 थे बाकी जो है तो प्लस प्लस में मिलीजुली जुली सरकार थी ठीक है और मिलीजुली जुली सरकार थी तो क्या है इश्यू बेस्ड सरकार थी इंदिरा गांधी को इन पार्टनर्स की भी बात मानना पड़ेगी कोलिजन में एक यही रहता है कि कोलिजन में जो प्राइम मिनिस्टर रहते हैं प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन कोलिजन पॉलिटिक्स में अपने आप कम हो जाती है क्यों क्योंकि प्राइम मिनिस्टर में हर जो अगला कोलिजन पार्टनर है ना हर कोलिजन पार्टनर का जो लीडर है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का जो लीडर रहेगा वो भी एक तरह का डुप्लीकेट प्राइम मिनिस्टर है क्योंकि उसकी भी बात मानो ठीक है डीएमके जो रहेगा तो डीएमके का भी एक डुप्लीकेट प्राइम मिनिस्टर है मतलब की इन पार्टीज की बात मान के चलना पड़ती है तो मल्टीपल प्राइम मिनिस्टर इस कोलिजन सिस्टम को स्कॉलर क्या कहते हैं सिस्टम ऑफ मल्टीपल प्राइम मिनिस्टर इतने लोग पार्टनर है सब अपने अपने प्राइम मिनिस्टर, अपने प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर ठीक है सब सब अपने अपने रीजन के अपनी पार्टी के प्राइम मिनिस्टर तो इंदिरा गांधी को समझ में आ रहा था क्या कि ये जो गठबंधन की सरकार है अभी तो ठीक लग रही है ठीक है अभी तो ठीक लग रही है लेकिन मैं इनके ऊपर डिपेंडेंट हूं ठीक है और इंदिरा गांधी क्या चाहती थी कि मैं अपनी डिपेंडेंस खत्म करूं ठीक है खुद की अगर मैं पार्टी के जो एम हैं अगर वही 261 चाहिए थी जैसे उस टाइम पीरियड के में तो और बढ़ जाएगी ठीक है क्लियर कट मेजोरिटी लिया तो बेहतर होगा इन दार्लियामेंट एंड सीक पॉपुलर मैंडेट फॉर हर प्रोग्राम और उन्हें ऐसा लग रहा था जो मेरा सोशलिस्ट टिल्टेशन है ना ये मुझे बहुत फेमस कर चुका है तो इंदिरा गांधी ने क्या बोला कि इस समय क्या है हथोड़ा मतलब लोहा गरा में हथोड़ा मार दिया जाए तो इंदिरा गांधी ने इन सारी स्थिति को देखते हुए ठीक है इन सारी स्थिति को देखते हुए सी डिसाइडेड सी रिकमेंडेड टू डिसॉल्व दी लोकसभा उन्होंने बोला कि लोकसभा को क्या किया जाए भंग किया जाए यहां पर नए फ्रेश इलेक्शन करवाया जाए अब आप कुछ लोग पूछते हैं वॉज द डिसीजन गुड और बैड मतलब आप ही पूछोगे ठीक है बाकी लोगों को तो पता है कि आगे क्या होना है 71 के चुनाव के बाद में प्रचंड बहुमत से इंदिरा गांधी की जो कांग्रेस आ है वो इमर्ज होकर आएगी ठीक है वो हम अभी डिस्कस करेंगे जो कंटेस्ट रहा कंटेस्ट नहीं कंटेस्ट की, मतलब किस तरह से चुनाव लड़ा गया वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे बाकी ये डिसीजन गुड था या बैड था तो गुड और बैड तो नहीं कहेंगे क्योंकि गुड था क्लियर ही दिख रहा है लेकिन ये डिसीजन बोल्ड जरूर था जिसने सबको क्या कर दिया घुमा के रख दिया तो ये डिसीजन को बोल्ड डिसीजन की तरह कंसीडर किया जाता है जिसके चलते इंदिरा गांधी ये दर्शाता है कि इंदिरा गांधी बहुत कॉन्फिडेंट उन्हें लग रहा था कि अब मैं लड़ूंगी तो मैं अब जीत के आऊंगी फॉर श्योर जीत के आऊंगी ठीक है तो सारी चीजों को नाप तोल के सारे पोलिटिकल लॉस और गेंस को कैलकुलेट करते हुए उन्होंने डिजोल्व करने का निर्णय लिया सेवेंटी में सेवेंटी में क्या होना थे चुनाव होना थे अब इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले है? इस हैं इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दी कंटेस्ट कंटेस्ट ऑफ वॉट तो फिफ्थ जनरल इलेक्शन ठीक है फिफ्थ जनरल इलेक्शन का कंटेस्ट हम समझने वाले हैं जो कब होने वाला है 1971 में होने वाला है अब ये जो चुनाव होने वाले हैं ना ये बड़े मजेदार होने वाले हैं, एकदम रंगमंच की तरह क्यों क्योंकि अब यहां इस चुनाव तक आते आते बहुत कुछ बदल गया है कैसे बहुत कुछ बदल गया है तो आप जैसे देखोगे तो जो कांग्रेस पार्टी की थी, ठीक है? 67 में चलो भी थी. के साथ थी, लेकिन भी थी. लेकिन वो कांग्रेस नहीं रह गई उसका नेचर ही बदल गया है. क्यों क्योंकि स्प्लिट हो गई है ना स्प्लिट हो गई है दूसरी चीज क्या है दूसरी चीज जैसे अगर आप देखोगे तो दूसरी चीज ये है कि अब यहां पर इंदिरा गांधी जो है तो इंदिरा गांधी ने भी अपने प्लान्स प्रोग्राम सब कुछ बदल लिए हैं उन्होंने एक तरह से क्या है कि पूरी कलरिंग ही चेंज कर दी उन्होंने लेफ्ट ओरिएंटेशन दे दिया है कांग्रेस ओ अलग अपना प्रयास करेगी कांग्रेस ओ को ऐसा लगता था कि कांग्रेस ओ इज ओरिजिनल कांग्रेस ठीक है ये ओ लेकिन ओरिजिनल के लिए नहीं है ध्यान रखना ये ऑर्गेनाइजेशनल के लिए है और ये आर जो है तो ये आर बाद में आगे जाके कन्वर्ट हो जाएगा कांग्रेस आई में ठीक है आई स्टैंड फॉर इंदिरा तो और फिर वो आई से इंडियन नेशनल कांग्रेस बन जाएगा क्योंकि ये कांग्रेस तो हवा में उड़ जाएगी अभी आप देखोगे सेवेंटी सेवन आते आते हैं ठीक है तो इस तरह से अच्छा एक चीज और बताता हूं मैं इंटरेस्टिंग आपको कि पहले उस समय भी लोग इतने लिटरेट नहीं हुआ करते थे तो सिंबल्स के साथ बहुत खेला जाता था अब देखो ये जो सेवेंटी वन का चुनाव होना था ना इसमें सिंबल की जो पावर थी वो कांग्रेस ओ के साथ में थी क्यों क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद में जिस कांग्रेस ने लीगेसी गेन करी थी ना मतलब जिस कांग्रेस को पूरा का पूरा विरासत मिला था इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल का तो वो उसका सिंबल क्या था जवाहरलाल नेहरू वाली कांग्रेस का सिंबल क्या था वो जो हमने देखा था पहले दो बैल वाला ठीक है बुलक्स वाला जो सिंबल था अब कार्टून पे मत जाना बस समझ लेना ये जो सिंबल था ना ये सिंबल कांग्रेस ओ ने को थी। बाहर था बछड़ा तो था गाय और बछड़ा जो है वो इंदिरा गांधी ने सिंबल बना लिया था अपना ठीक तो इस तरह से सिंबल्स के हिसाब से देखा जाए तो सिंबॉलिक पावर किसके पास थी कांग्रेस ओ के पास थी ठीक और आप कांग्रेस आर की बात करोगे तो कांग्रेस आर के पास अलग पावर थी वो क्या थी अभी डिस्कस करेंगे और आदर्श के अगर हम बात करें तो बाकी जो बचे कुछ शब्द है सारी पार्टीज थी वो सारी एक साथ आ जाएगी ठीक है तो यहां पे एक चीज ध्यान रखना कि हम क्या बना थी कंटेस्ट तो मतलब मैदान जो था वो तैयार हो गया 71 के इलेक्शन के लिए अब उस मैदान में किस तरह से दंगल होता है वो आपको समझना है किस तरह से दंगल होता है वो आपको समझना है किसकी क्या पावर थी वो आपको समझना है

ओरिजिनल 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 सॉरी ओ इज़ नॉट फॉर ऐसा कुछ और डुप्लीकेट or नहीं होता है ठीक मतलब है, मतलब है? मतलब है? मतलब है कि, कि हाँ फिर से मीटिंग करवाना लेकिन नहीं मीटिंग हुई तो उसके बाद इंदिरा गांधी ने बनाई थी वो. तो अब क्या होता है एवरीवन बिलीव दैट द रियल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ ऑफ कांग्रेस पार्टी कमांड ऑफ कांग्रेस ओ इसे दिग्गज नेता है आज भी कांग्रेस ओ के पास ही है इसीलिए ऐसा लगता था आर कर क्या लेगी आर में तो सब न्यू भी है इंदिरा गांधी पॉलिटिकली उतनी एक्सपीरियंस नहीं थी ठीक है कांग्रेस आर जो है वो कमजोर पड़ जाएगी ऐसा माना जाता था फिर क्या है और इसके आगे मतलब इसके आगे और जैसे देखोगे टू मेक मैटर वर्स ठीक है चीजों को और खराब करने के लिए कांग्रेस आर के लिए ठीक है क्या होता है ऑल दी मेजर नॉन कम्युनिस्ट देखो मेजर नॉन कम्युनिस्ट लिखा है क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी जो है तो कम्युनिस्ट पार्टी जो है ना कम्युनिस्ट जितनी भी थी वो सब किसके साथ हो गई थी कांग्रेस आर के साथ हो गई थी? थी क्योंकि कांग्रेस आर का लेफ्ट की तरफ तरफेशन अलग ही दिख रहा था तो 71 के इलेक्शन में कांग्रेस को एक सपोर्ट ये मिलेगा कि कम्युनिस्ट पार्टी जो है इलेक्शन के पहले से ही चिल्ला रही थी कि हम तो कांग्रेस आर के साथ है, हम इंदिरा गांधी के साथ है ठीक है लेकिन इसके अलावा जितनी भी नॉन कम्युनिस्ट पार्टीज थी नॉन कांग्रेस अपोजिशन था नॉन कम्युनिस्ट में जैसे जो प्रजा सोशलिस्ट सोशलिस्ट पार्टी थी ना वो तो नॉन कम्युनिस्ट नॉन कांग्रेस स्वतंत्र पार्टी हो गया जनसंघ पार्टी हो गई तो ये सारी अपोजिशन पार्टी जो है सब मिलके क्या एक अलायंस फिर बनाती ये बिचारे अलायंस ही बनाते रहते थे कभी संयुक्त विधायक दल का अलायंस बना रहे कभी ग्रैंड अलायंस कभी यूनाइटेड फ्रंट ठीक है एक और अलायंस बना है 171 में। चलो ग्रैंड अलायंस बनाते हैं कि हम सब एकजुट होंगे ठीक है सब एकजुट होंगे और एकजुट होकर क्या करेंगे फिर हम हराने का प्रयास करेंगे किसे इंदिरा गांधी को कांग्रेस ओ को को कांग्रेस आर हराने का प्रयास करेंगे ठीक है तो जैसे जो ग्रैंड अलायंस बनाया था उसमें एसएसपी हो गया ठीक है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी भारतीय जनसंघ स्वतंत्र पार्टी भारतीय क्रांति दल ये भारतीय क्रांति दल किसने बनाया था चलो होमवर्क देता हूं बहुत मैंने आपको डिटेल में सारी चीजें बताई है तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं आपको ध्यान भी रहे ठीक है कांग्रेस के ही लीडर थे बताइए कौन उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे ठीक है तो भारतीय क्रांति दल केम टुगेदर अंडर दिस अम्ब्रेला ठीक है तो ये पूरा पूरा का इन्होंने क्या छतरी बनाई ग्रैंड अम्ब्रेला नहीं ग्रैंड अलायंस ठीक है ग्रैंड अलायंस बनाया और सबने लोगों ने तैयारी कर ली कि अब क्या है? ये जो बैटल होने वाली है ये जो कंटेस्ट होने वाला है घमासान होगा ठीक है घमासान कंटेस्ट होगा अब देखते आगे क्या है अब देखो सबने अपनी अपनी तैयारी कर ली है अब लेकिन जो न्यू कांग्रेस थी कांग्रेस आर को न्यू कांग्रेस भी कहा जाता है ये रखना। तो जो न्यू कांग्रेस थी ना उसके पास एक एक्स फैक्टर था एक्स फैक्टर बोलते न, कि स्पेशल इन यू और व्हाट इज दैट तो वहां पे अगर आप देखें तो कांग्रेस आर के पास में एक्स फैक्टर था क्या था वो एक्स फैक्टर द न्यू कांग्रेस लैग्ड ठीक है ये दिखने में दिग्गज लग रहे हैं बड़े बड़े सब ग्रैंड अलायंस कांग्रेस ओ दिग्गज सारे के सारे दिग्गज नेता ठीक है तो दिखने में क्या है बड़े बड़े अपोनेंट्स लग रहे हैं लेकिन उनके पास एक चीज की कमी थी और वो एक चीज वो एक एक्स फैक्टर कांग्रेस के पास था एंड व्हाट वॉज दैट तो दैट वॉज इशू एजेंडा

मायने नहीं रखता आप क्या काम करोगे क्या काम नहीं करोगे ठीक है ये बुरा है लेकिन ये गलत है लेकिन आप क्या करें ऐसा है तो ऐसा ही है पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट रेटोरिक्स आपको ऐसे नारों में उलझाया जाएगा आपको ऐसे सपने दिखाए जाएंगे ऐसे दिन आएंगे वैसे दिन आएंगे और आप मतलब कुल मिला के क्या है कि आप अगर अट्रैक्ट कर पा रहे हो मासेस को तो आप पॉलिटिकली क्या हो सक्सेसफुल हो ठीक है पुराने जो स्कॉलर्स है जैसे आप पुराने स्कॉलर्स को पढ़ते हो तो उनका यही कहना था जो रियलिस्ट थे बहुत ज्यादा उनका यही कहना पड़ता है कि पॉलिटिक्स में ये मायने नहीं रखता कि आप कितना पोटेंशियल रखते हो ये मायने रखता कि आप के अंदर पोटेंशियल लोगों को कितनी दिखती है ठीक है लोगों को ऐसा लगता है कि आप सही नेता हो चाहे आप कैसे ही नेता हो आप लोगों को अगर आप क्या कर पा पा रहे रहे हो हो लोगों को करवा कि आप बहुत बढ़िया हो ठीक है तो आप क्या हो आप पॉलिटिकली सक्सेसफुल हो जाओगे ठीक तो उसके लिए क्या इश्यू होना एजेंडा होना एक स्लोगन होना एक कैंपेनिंग टीम होना यह सारी चीजें बहुत जरूरी होती है और आज आप देख रहे हो कि अब जो पॉलिटिक्स हो रही है वो इन्हीं चीजों पर हो रही है सोशल मीडिया पर ही पॉलिटिक्स हो जाती है पूरी की पूरी ठीक है तो यह चीज तब उतनी हावी नहीं थी लेकिन

मेन तो ये है कि ये तो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं कि पावर में आ जाए बस ठीक है द अपोजिशन द अपोजिशन अलायंस हैड ओनली वन कॉमन प्रोग्राम अपोजिशन अलायंस का एक ही कॉमन प्रोग्राम था क्या इंदिरा हटाओ अपोजिशन अलायंस जो बनी थी इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में तो लोगों को भी क्लियर ऐसा ही दिख रहा था और इन लोगों का ऑब्जेक्टिव भी था क्योंकि उनके पास में कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं था कि वो पावर में आएंगे तो करेंगे क्या उनका तो मेन ये था कि इंदिरा हटाओ ठीक है और इसी चीज को इंदिरा गांधी ने इस्तेमाल किया क्या इंदिरा गांधी अपने चुनावी चुनावी रैलियों में पता क्या कहती थी इंदिरा गांधी अपनी चुनावी चुनावी रैलियों में कहती थी वो कहते हैं इंदिरा हटाओ मैं कहती हूं गरीबी हटाओ इस तरह से मतलब रेटोरिक्स क्रिएट किया जाता था ठीक है कि अपोज जो अपोजिशन था इंदिरा गांधी का इंदिरा गांधी सीधे मतलब उनको ऐसे मुंह की खिला देती थी क्या कि आपका नारा सिर्फ सिंपल सा है कि इंदिरा हटाओ आप मुझे हटाना चाहते हो और मैं कहती हूं कि हटाओ ठीक तो है गरीबी हटाओ हटा। जो था उनका वो स्लोगन था पॉजिटिव था लोगों को सुन के अच्छा लगता था गरीबी हटे ना हटे तब से हटा रहे तब से प्रयास कर रहे हैं अभी तक हटी नहीं गरीबी बताओ सेवेंटी से ट्वेंटी आ गया कितने साल गए हिसाब किताब पचास साल से ऊपर हो गया ठीक है तब से हम गरीबी हटाने में लगे हुए अभी तक गरीबी नहीं हटी थी बताओ ठीक है शी फोकस्ड ऑन दी ग्रोथ ऑफ पब्लिक सेक्टर ठीक है इंपोजिशन ऑफ सीलिंग ऑन रूरल लैंड होल्डिंग्स एंड अर्बन प्रॉपर्टी रिमूवल ऑफ डिस्पैरिटी इन इनकम एंड एंड ऑफ प्रिंसली मतलब जो uh, कह सकते हैं हमने पर्स के के बारे में में पढ़ के आए पिछले वीडियो में. तो ये सारे एजेंडा थे और वो क्या थे यहां खोखले थे यहां क्या है थोथा चना बाजे घना वाली कहानी थी कि मतलब था कुछ नहीं दिखने में बड़े बड़े अपोनेंट थे दिग्गज थे ग्रैंड अलायंस था लेकिन उनके पास कोई पोलिटिकल प्रोग्राम नहीं था मतलब जीत जाओगे तो करोगे क्या भैया उनसे ये पूछने वाला सवाल था लेकिन यहां क्लियर था कि मैं जीतूंगी तो मैं गरीबी हटाऊंगी मेरे पास ये प्रोग्राम्स हैं। और ये फैक्टर बनता है कांग्रेस के लिए जो कंटेस्ट की हम बात करें ना कि चुनावी मैदान जो तैयार हो रहा था वो चुनावी मैदान इस तरह से तैयार हो रहा था सेवेंटी वन का ठीक है गरीबी हटाओ वॉज दी मास्टर स्टॉक ऑफ नाइनटीन सेवेंटी वन थ्रू गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी ट्राइड टू जनरेट सपोर्ट बेस अमंग डिसएडवांटेज्ड Especially among दी लैंडलेस लेबरर्स ठीक है दलित्स एंड आदिवासी माइनॉरिटीज women एंड अनएम्प्लॉयड यूथ अब देखो ये जितने भी नाम हमने यहां पढ़े तो ये ये वो नाम है जो कंट्री का मेजोरिटी कंस्टिट्यूट करते थे उस टाइम पीरियड में भी और आज भी ध्यान रखो ठीक है तो अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी आप कल को पॉलिटिकल लीडर बनोगे पॉलिटिकल पार्टीज में जाओगे मुझे याद रखना ठीक है तब क्या होगा तब आपको एक बहुत एक बोलते हैं ना कि एक बहुत क्या कह सकते हैं कि आ, बहुत प्रीशियस एडवाइस दे रहा हूं मैं कि मेजोरिटी जो है ना मेजोरिटी सेक्शन ये है और डेमोक्रेसी क्या होती है डेमोक्रेसी में आप देखोगे तो मेजोरिटी प्रिवेल्स तो मेजोरिटी को अगर आप अट्रैक्ट कर पा रहे हो इन क्लासेस को अट्रैक्ट करने के लिए प्रोग्राम क्या होना चाहिए प्रो पुअर प्रोग्राम होना चाहिए और वो प्रो पुअर प्रोग्राम कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी के इस मास्टर स्टॉक में गरीबी हटाओ में दिख रहा था ठीक है इस गरीबी हटाओ के स्लोगन के साथ में उन्होंने क्या किया ठीक है, शी ट्राइड टू जनरेट दी सपोर्ट सपोर्ट बेस अमंग के बीच में सपोर्ट बेस जनरेट किया उन्होंने, so तो चुनाव जीत गया बधाई दी थी स्लोगन ऑफ द स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ एंड दी प्रोग्राम एंड दी प्रोग्राम्स दैट फॉलोड इट वर दी पार्ट ऑफ इंदिरा गांधी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी ऑफ बिल्डिंग एन इंडिपेंडेंट नेशन वाइड पॉलिटिकल सपोर्ट बेस तो इंदिरा गांधी ने इन सारे फ्रंट्स पे काम करते हुए अपना जो कह सकते हैं इलेक्शन मैनिफेस्टो बनाया इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए बनाया और इसी के चलते उन्होंने ये आ, मतलब ये मतलब इंश्योर करने की कोशिश करी कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी को एक नेशन वाइड सपोर्ट बेस मिले ठीक है तो ये हो गई पूरी चुनाव की तैयारी चुनाव का मैदान तैयार हो गया अब चुनाव हो जाएगा मतलब आप तो थे नहीं मैं भी था नहीं चुनाव वोट तो डल गए अब उसका रिजल्ट क्या निकल के आता है पिछले वीडियो में हम लोगों ने चुनाव करवाया ठीक है अब उस चुनाव के परिणाम आने वाले हैं रिजल्ट आने वाला है तो इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आउटकम एंड आफ्टर ऑफ 1971 1971 जनरल 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 इलेक्शन 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 में में जो जो हुआ था ना वो वो का हमने कंटेस्ट जो है वो पिछले वीडियो में देखा कि क्या तैयारी करी सब पॉलिटिकल पार्टीज ने सब अपने अपने एंड पे तैयार हो गए थे चुनाव लड़ा गया अब चुनाव लड़ने के बाद में वो जो आउटकम निकल के आया वो आपको इस वीडियो में बताऊंगा आउटकम के बाद में कैसे चीजें बदली वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा देखो ये इंटरेस्टिंग है

कांग्रेस जो था कांग्रेस स्प्लिट हो चुका था कांग्रेस और आर के बीच में चुनाव होना था कांग्रेस और आर के बीच में चुनाव होना था और फिर क्या है एक ग्रैंड अलायंस भी बना तो जो छोटे छोटे भैया उन थे सारे ठीक है सभी ने क्या कर लिया एक तरह से एक अलायंस बनाया तो जितनी भी दूसरी पार्टी थी स्वतंत्र पार्टी ठीक है कह सकते हैं प्रजा सोशलिस्ट पार्टी जनसंघ इन सारी पॉलिटिकल से एक ग्रैंड अलायंस, अलायंस भी बना अब क्या होता है सब अपनी अपनी तैयारी करके मैदान में खुदे चुनाव हुए सेवेंटी के ठीक है अब आपके मन में भी डाउट यह कि हुआ क्या होगा चलो इलेक्शन के परिणाम देखते हैं रिजल्ट देखते हैं तो कांग्रेस आर ठीक है कांग्रेस आर में क्या बताया था कि

तैयारी थी अब उस तैयारी के बाद में तैयारी का आखिरकार परिणाम क्या निकला तो कांग्रेस आर जो थी ना विथ सीपीआई अलायंस कंबाइंड won 375 सीट्स कैन यू इमेजिन 375 सीट जीती है वो कितने में से तो आई गेस इस टाइम पीरियड में 521 सीट हुआ करती थी ठीक है 521 इसमें नॉमिनेटेड कैंडिडेट वगैरह सब मिला के तो इलेक्शन जो हुआ थे वोटिंग जो हुई थी 518 पे हुई थी ठीक है नंबर उतना ध्यान नहीं रखना देखो मैं आपको रेफरेंस बार बार आप पकड़ के चलना है तो अब आप तो लगभग लग जैसी जवाहरलाल नेहरू के टाइम पीरियड में सीट्स जीता करती थी कांग्रेस वैसी सीट कांग्रेस ने जीती 375 हंड्रेड सीट जो है वो कांग्रेस ने ठीक है लोकसभा में जीती और ये थ्री कांग्रेस की अकेली नहीं थी ये सीपीआई के साथ भी थी ठीक है कांग्रेस की अकेले की अगर हम बात करें तो five, 352 ठीक है 75 52 23 तो 23 सीट्स इसमें से किसकी थी सीपीआई अलायंस की थी, थी. बाकी अगर आप देखोगे तो ये जो पार्टनर थे ठीक है इन पार्टनर्स ने मिलके क्या है कंट्री के 48.4 परसेंट वोट सिक्योर करे 375 सीट्स जीती इसका मतलब क्या है कि प्रचंड बहुमत मिली है प्रचंड बहुमत मिली है ठीक है इंदिरा गांधी कांग्रेस आर वन 352 सीट्स विद अबाउट 44 ऑफ पॉपुलर वोट्स ऑन इट्स ओन तो अकेले इंदिरा गांधी की जो कांग्रेस थी कांग्रेस आर उसने थ्री हंड्रेड फिफ्टी टू सीट जीती और कंट्री का वोट शेयर उन्होंने जीता तो तो यहां पे आपको देखने को मिल रहा है है एक बड़ा शेयर जो जो सुपरा साफ करने की बात होती ना वो कर दिया था कांग्रेस ने 71 के चुनाव में बाकी जो अपने हारे हुए प्लेयर्स थे इनकी क्या स्थिति थी तो अगर जैसे कांग्रेस ओ की बात करें जिसे लोग बोल रहे थे कि ये क्या है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ है इसके पास कांग्रेस की कांग्रेस ओ जो था ओल्ड कांग्रेस जो था तो लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये जीतेगा लेकिन कांग्रेस ओ की क्या स्थिति रही है पार्टी विध सो मेड गेट लेसेंट से पोस्ट सिस्टम चलता है, first the post चलता है FTP. तो उसके चलते क्या परसेंट चाहे इनको कितना लेस देन वन फोर्थ मिला और ट्वेंटी फाइव परसेंट से कम वोट शेयर मिला था लेकिन सीट्स जो मिली तो वो तो मात्र सोलह ही सीट मिल पाई थी ठीक है तो मात्र सोलह ही सीटें जीती ठीक तो उस, उस 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 स्थिति को देखते हुए क्या समझ में आया कि बहुत बुरी स्थिति हो गई किसकी कांग्रेस ओ की कांग्रेस ओ जो है तो इंडिया के मैप से हटा दी गई थी एक तरह से पॉलिटिकल पार्टीज के मैप से हटा दी गई थी ठीक है करारी हार का यहां सामना करना पड़ा फिर आते इधर ग्रैंड अलायंस ठीक है जो ग्रैंड अलायंस दूसरी सारी पार्टीज ने मिलकर बनाया था तो देख ग्रैंड अलायंस ऑफ द अपोजिशन प्रूव अ ग्रांड फेलियर तो यहां पर मैं कौन, आ, मतलब यह कहना चाहूंगा कि एनसीआर टी इज लाइक सेविच क्या की जो ग्रैंड अलायंस आपको दिख रही थी ना ग्रैंड अलायस क्या हुई ग्रैंड फेलियर में कन्वर्ट हो गई खैर एनसीआरटी ने अपना काम किया

विक कॉन्स्टिटुएंसी से भी कांग्रेस जीती और डाउटफुल डाउटफुलस्टिटुएंसी से भी कांग्रेस जीती ठीक है और अगर इधर देखोगे तो ये क्या है ये पूरा जो हमारा ग्रैंड अलायंस जो ग्रैंड फेलियर में कन्वर्ट हुआ ना वो दिखाया जा रहा है तो इसमें देखो एस निजलिंगप्पा भी आ गए हैं ठीक है स्वतंत्र पार्टी के लीडर उस समय स्वतंत्र पार्टी यानी कौन सी पार्टी थी जनसंघ उस समय जनसंघ पार्टी के लीडर आए गए अटल बिहारी वाजपेयी थे ठीक है तो आ, ये सारे लीडर्स भी आ गए तो आई कांट बिलीव इट आई थॉट आई वॉज कमिंग फर्स्ट यू सेकेंड एंड ही थर्ड तो आपस में तय कर रहे कि फर्स्ट तो मैं आता सेकेंड तुम और थर्ड ये आता और हम तीनों मिलकर सरकार बनाते लेकिन हुआ क्या यहाँ तो सुपड़ा साफ कर दिया तो उस चीज को इस कार्टून के थ्रू दर्शाया गया है, है है ठीक ठीक कौन लीडर से और क्या दर्शाना चारा कार्टून समझ में में आ गया? के देखने को मिली हाउ कार्टुनिस्ट इंटरप्रेटेड आउटकम ऑफ दाइनटीन सेवेंटी वन इलेक्शन प्लेयर्स ऑन दी ग्राउंड आर दिन लीडिंग अपोजिशन फिगर्स तो वो सारे अपोजिशन फिगर्स क्या बात कर रहे हैं कि यार सब कुछ खेल पलट दिया यहां पे ठीक है खेला हो गया फिर क्या है

ठीक है पाकिस्तान भी क्या है ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान में डिवाइड हो गया था और उसमें इंडिया ने क्या किया एक मेजर रोल प्ले किया था तो मैंने आपको क्या बताया कि मासेस जो रहती है ना मासेस को मोटिवेट करने के लिए नेशनलिज्म एक बहुत अच्छी आइडियोलॉजी होती है कि आप जब क्या करोगे आप कोई सर्जिकल स्ट्राइक करोगे आप किसी तरह से क्या करोगे पाकिस्तान का क्या करोगे नुकसान पहुंचाओगे ना तो मासेस आपकी सारी गलतियां आप भूल के आपको क्या करेगी आपको एक तरह से सिर पर बिठा लेगी और घुमाने लगेगी तो वही हुआ उस चीज का एडवांटेज मिला क्या होता है कि आप देखोगे तो सेवेंटी के इलेक्शन के बाद में क्या होता है पॉलिटिकल एंड मिलिटी क्राइसिस ब्रोक आउट इन ईस्ट पाकिस्तान ठीक है इंडो पाक वॉर लीडिंग टू दीटैब्लिशमेंट ऑफ बांग्लादेश इसमें इंडिया की डोमिनेंस दिखी इंडिया का कह सकते हैं कि पूरे साउथ एशिया में दबदबा हुआ इंडिया को वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन मिली कि देखो ऐसा देश है कि उसने क्या करा एक देश को आजादी दिलवा दी ठीक है तो इन सारे इवेंट्स का इंपैक्ट क्या हुआ पता है

उसमें भी क्या है उसमें इस चीज़ का एडवांटेज मिला इंदिरा गांधी को, 71 की का मिला और जिन स्टेट्स को खो दिया था बट ऑल्सो एज ए स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट लीडर पुअर की बात करी उन्होंने अंडर प्रिविलेज की बात करी अपनी पॉलिसीज उस हिसाब से बताई स्लोगन रखा पॉजिटिव स्लोगन क्या गरीबी हटाओ तो उससे उनकी एक पुअर लीडर प्रो पुअर लीडर की तरह तो इमेज बनी ही बनी साथ ही साथ ये बांग्लादेश का मतलब जैसे रॉ की बात करें तो उनके टाइम पीरियड में रॉ को स्टैब्लिश करवाया था उन्होंने ठीक है और कहीं ना कहीं रॉ का भी एक हाथ था तो मतलब एक फीमेल होते हुए भी इस तरह से उनकी इमेज प्रोजेक्ट हुई कि एक स्ट्रांग आयरन लेडी की जो बात की जाती है ना तो स्ट्रांग आयरन लेडी इनफैक्ट आप देखोगे तो अपोजिशन के जो लोग थे अटल बिहारी वाजपेयी ने पार्लियामेंट में इंदिरा गांधी को दुर्गा के नाम से संबोधित किया ठीक है दुर्गा के नाम से संबोधित किया उन्होंने बताया कि एक स्ट्रांग नेशनलिस्ट लीडर है वो ठीक है द अपोजिशन टू हर आइर विद इन दी पार्टी और आउटसाइड ऑफ इट सिंपली डिड नॉट मैटर और इतनी बड़ी इतनी कह सकते हैं कि भव्य आ, कह सकते हैं इमेज उन्होंने अपनी बना ली थी इंदिरा गांधी ने कि उसके चलते जो अपोजिशन था वो चाहे पार्टी के अंदर हो चाहे चाहे पार्टी के बाहर हो मैटर ही नहीं करता था ठीक है तो उन्होंने अपनी हेजेमनी स्टैब्लिश कर ली थी तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि नाइनटीन सेवेंटी वन के बाद का जो पीरियड रहा तो वो चारों तरफ चांदी ही चांदी वाला सिचुएशन रहा ठीक है हर तरफ विक्ट्री दिख रही थी

वार्डेड ऑफ दी चैलेंज टू हर लीडरशिप एंड टू डोमिनेंट पोजीशन ऑफ दी कांग्रेस पार्टी 67 के टाइम पीरियड में कांग्रेस डगमगाती दिख रही थी ना तो कांग्रेस को डगमगाती हुई कांग्रेस को उन्होंने स्ट्रॉन्ग कांग्रेस की तरह स्टैब्लिश किया अपने अगेंस्ट में जितने भी उनको अपोनेंट दिख रहे थे सबको किनारे लगा दिया और उन्होंने क्या किया एक स्ट्रांग कांग्रेस को रिस्टैब्लिश कर दिया तो अब सवाल यह आता है कि क्या यह रिस्टोरेशन हो गया है सवाल है ठीक है सवाल के साथ मिलेंगे हम अगले वीडियो में कि रिस्टोरेशन सच में हुआ है कांग्रेस का नहीं हुआ है ठीक है तो एक जो उसमें कह सकते हैं फिलोसॉफिकल थोड़ा सा थियोरिटिकल एंगल जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे ठीक है वो हम

पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो है ना अब देखो एक कहानी में बताई देता हूं सेवेंटी वन जो है सेवेंटी थोड़ा सा मतलब लिंक कर दे देता हूं सेवेंटी वन के बाद से आप अगले चुनाव कब होंगे है 1977 में बोलोगे सर चल क्या रहा है हाँ पे क्यों क्योंकि कभी चार साल में ही चुनाव हो गए 67 से 71. अब आप तो क्या है अब आप साल तक चुनाव ही नहीं करवा रहे हो तो यहां इमरजेंसी का भी आता है ठीक है मतलब यहां इमरजेंसी लगेगी इमरजेंसी के बाद में क्या होगा कि इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट बढ़ेगा और सेवनटी में पहली बार क्या होगा कांग्रेस जो होगी ना पहली बार नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट कंट्री में बनेगी तो ये सारे इवेंट जो है ना ये सारे इवेंट जो है आपको क्या ये सारे इवेंट्स आगे आने वाले चैप्टर में समझ में आ जाएंगे ठीक है अभी एक वीडियो और बच्चा

प्रेसिडेंट्स रूल उसका इस्तेमाल करते हुए जहां जहां जिन जिन स्टेट्स को इंदिरा गांधी ने खोया था ना वहां पे क्या है प्रेसिडेंट रूल लगा के उन्होंने ये आप देख रहे हो ना गुड्डे जो हैं ये गुड्डे क्या हैं ये अलग अलग सीएम हैं और ये जो लेडी फिगर है इंदिरा गांधी है तो वो क्या कर रही है इसे? अपने मनपसंद स्टेट्स में जहां कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं है तो वहां कांग्रेस की गवर्नमेंट स्टेब्लिश करने का प्रयास कर रही है किसके थ्रू तो आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल के थ्रू ठीक है और 72 में तो वैसे चुनाव जीते भी हैं बहुत सारे स्टेट्स में तो ये पूरी कहानी थी इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिस्टोरेशन रिस्टोरेशन के साथ में क्वेश्चन मार्क भी होना चाहिए यहां पे ठीक है रिस्टोरेशन ऑफ फॉट तो हमने देखा कि किस मतलब ये पूरा चैप्टर जब आपने पढ़ा है तो आपको ये सारी कहानी समझ में आ गई कि, कि किस तरह से कांग्रेस सिस्टम जो था उसने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए उन चैलेंजेस को फेस करते हुए किस तरह से ओवरकम भी किया उन चैलेंजेस को ठीक है और इनफैक्ट हम लास्ट वीडियो में जो पढ़ के आए तो हम क्या कह रहे हैं कि कांग्रेस ने अपने आप को रिस्टोर कर लिया ठीक है जो खोई हुई ग्लोरी थी उसको वापस पा लिया तो अब सवाल यहां पे आता है कि क्या कांग्रेस का सिर्फ इलेक्शंस में वापस प्रचंड बहुमत के साथ आ जाना हम रिस्टोरेशन कहेंगे ठीक है कांग्रेस की इस को रिस्टोरेशन के साथ में क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया जा रहा है वो चीज मैं आपको बताने वाला हूं देखो तो ये जो टॉपिक है ना ये टॉपिक बुक के हिसाब से लास्ट है एक टॉपिक और पढ़ेंगे तो मल्टी पार्टी और बाई पार्टी सिस्टम में आपको समझा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में जो एडिशनल टॉपिक है बाकी अगर हम समझे यहां पे तो यहां पे अगर हम समझे तो क्या है सवाल इस चीज पे आ रहा है कि क्या कांग्रेस ने अपने आप को रिस्टोर सच में किया था ठीक है द मेजोरिटी विच कांग्रेस गेन्ड रिस्टोरेशन इन रियल सेंस ठीक तो उस चीज को समझो वॉट द कांग्रेस सिस्टम रियली रिस्टोर क्वेश्चन बनता है ये का देखो इसमें आपको कोई फैक्ट्स कोई हिस्ट्री याद नहीं रखना है लेकिन एनालाइज करना है और एनालिसिस वाला पार्ट जो होता है वो फेवरेट होता है मेरा तो एनालाइज करते हैं चलो ठीक है कि क्या सच में कांग्रेस सिस्टम रिस्टोर हुआ है

क्या करती है मेजोरिटी पाती है सेवेंटी वन के बाद में तो दिस इज द लाइन यू हैव टू राइट व्हाट इंदिरा गांधी हैड डन वाज नॉट द रिवाइवल ऑफ ओल्ड कांग्रेस ठीक है इन मेनी वेज वेड री इन्वेंटेड द पार्टी शी हैड री इन्वेंटेड उन्होंने री इन्वेंट किया रिवाइव नहीं किया कांग्रेस को यह बात ध्यान रखना है ठीक है कैसे तो उसके पीछे कारण क्या है क्यों कहा जा रहा है कि उन्होंने री इन्वेंट किया समझो जा रहा है यहां पर यह पॉइंट है उसके आर्ग्यूमेंट उसके सपोर्ट में कि क्यों री इन्वेंट किया है It relied entirely on the popularity of supreme leader. Earlier, the Congress, supreme leader. दो देर फेसेस जैसे आप देखोगे तो जवाहरलाल नेहरू का फेस ही काफी था कांग्रेस की डोमिनेंस को डोम करने के लिए लेकिन यहां पे आप जैसे देखोगे ना मतलब जो ओल्ड कांग्रेस थी ओल्ड कांग्रेस इन द सेंस कि वो वन पार्टी डोमिनेंस चैप्टर टू वाली जो कांग्रेस थी ठीक है तो उसमें हमने क्या देखा था उसमें कांग्रेस कांग्रेस जो है तो एक तरह से अपने प्रिंसिपल्स के लिए कांग्रेस अपनी लेगेसी के लिए जानी जाती थी कि इंडिपेंडेंस दिलाई है लेकिन यहां सेवेंटी में जो कांग्रेस आई थी जो इंदिरा गांधी ने री करी थी ना तो इट वॉज एंटायरली ऑन दॉपुलरिटी ऑफ सुप्रीम लीडर इंदिरा गांधी की के चलते उस कांग्रेस को इतनी मेजॉरिटी मिली थी ठीक है वो अपने आप को एक पॉपुलर लीडर की तरह प्रोजेक्ट कर पाई थी और इस कारण से वो इतनी पॉपुलैरिटी में आई थी और जीती थी ठीक है ये कारण था फिर क्या है इट हैड समवट वीक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो हम अगर रिवाइवल की बात करें तो जो पुरानी कांग्रेस थी जिसका रिस्टोरेशन होना चाहिए था तो वो पुरानी कांग्रेस का तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इतना मजबूत था कि चप्पे चप्पे पे क्या है उसके लीडर्स हुआ करते थे लेकिन यहां आप देखोगे तो ये जो कांग्रेस थी ना इसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर उतना मजबूत नहीं था वो सिर्फ

ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के लिए जानी जाती थी और नई कांग्रेस जो आई थी कांग्रेस आर जो आई थी ठीक है जो री इन्वेंट की गई थी इंदिरा गांधी के द्वारा वो उनकी सुप्रीम लीडरशिप के कारण की गई थी ठीक है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वीक था फिर क्या है दिस कांग्रेस पार्टी नाउ डिड नॉट हैव मेनी फैक्शंस दस इट अकोमोडेट ऑल काइंड ऑफ ओपिनियंस एंड इंटरेस्ट देखो रिस्टोरेशन होगा मतलब क्या कि जैसा पुराना था वैसा वापस होना चाहिए लेकिन ये जो नई कांग्रेस थी ना तो इसमें क्या है इसमें जैसे अगर आप देखोगे तो दिस कांग्रेस पार्टी नाउ डिड नॉट हैव मेनी जैसा कि पुरानी कांग्रेस की जो वन पार्टी डोमिनेंस वाली बात कर रहे हैं जो नाइनटीन के टाइम कांग्रेस थी तो वो कितनी ग्रैंड कोलिजन की तरह दिखती थी मतलब वो एक ऐसी पार्टी दिखती थी जिसमें अलग अलग फैक्शन सब उसमें ही समाहित थे तो अपोजिशन बाहर नहीं था पार्टी के अंदर ही था और अपोजिशन को क्या करके रखा जा रहा था अकोमोडेट करके रखा जा रहा था लेकिन इस केस में अगर आप देखोगे ना तो इंदिरा गांधी ने जो कांग्रेस को री इनवेंट किया कि रीस्टोर नहीं, नहीं, नहीं थे दस इट अकोमोडेट ऑल काइंड ऑफ ओपिनियंस एंड इंटरेस्ट जो कहा किया जाता था जो पुरानी कांग्रेस में किया जाता था ठीक है तो ये एक पॉइंट था जिसके चलते हम कहते हैं कि देर वॉज नॉट रिवाइवल देर वॉज द री इन्वेंशन ऑफ कांग्रेस आफ्टर नाइनटीन सेवेंटी वन पुअर दु एंड दाइनोरिटीज पुरानी कांग्रेस जो थी ना तो वो इन सोशल ग्रुप्स के ऊपर सिर्फ डिपेंडेंट नहीं थी पुरानी कांग्रेस पूरी कंट्री का कह सकते हैं रिफ्लेक्शन थी पूरी कंट्री का रिफ्लेक्शन थी और ये जो कांग्रेस थी ठीक है तो ये कांग्रेस अगर पावर में आई थी अपने आपको रिस्टोर कर पाई थी तो वो क्यों कर पाई थी क्योंकि ये जो नई कांग्रेस थी इट डिपेंडेंट ऑन दी पुअर वुमेन दलित आदिवासी एंड माइनोरिटीज इन सारे ग्रुप्स के ऊपर डिपेंडेंट थी तो आपको समझना इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड में कांग्रेस का रिस्टोरेशन हुआ था क्या क्वेश्चन मार्क तो रिस्टोरेशन नहीं हुआ था व्हाट इंदिरा गांधी डिड वाज़ द रिवाइवल वाज़ नॉट अ रिवाइवल रैदर री इनवेंटेड दी पार्टी क्यों पॉइंट तो समझ में आ गए लिखी जाती है क्या आप जैसे देखेंगे तो इंदिरा गांधी ने जो किया ठीक है इंदिरा गांधी ने जो रिस्टोर अगर किया भी है कांग्रेस को कुछ लोग ऐसा बोलने नहीं कांग्रेस की जैसी डोम थी वैसी डोम फिर स्टेब्लिश हो गई है तो चलो मान लिया कि अगर इंदिरा गांधी ने रिस्टोर किया भी ना तो दस, दी सिस्टम चेंजिंग दी नेचर सिस्टम तो जिस कांग्रेस को आप जानते थे वन पार्टी डोमिनेंस के टाइम पीरियड में फिफ्टी की कांग्रेस नेहरू की कांग्रेस कहा जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा उस कांग्रेस का पूरा का पूरा नेचर बदल दिया था और बदली हुई कांग्रेस क्या है पावर में आई थी सेवेंटी वन के बाद में ठीक है तो चैलेंजेस ऑफ सो कॉल्ड रिस्टोर कांग्रेस अब जैसे आप देखोगे तो जो सो कॉल्ड कांग्रेस थी जिसका का, जिसका ओरिजिनल कांग्रेस से पूरा का पूरा नेचर ही बदल गया था उसे कुछ चैलेंज भी फेस करना पड़ेगा जितनी पॉपुलैरिटी कह सकते हैं कि जो इंडिपेंडेंस के बाद वाली कांग्रेस थी अनडिवाइडेड कांग्रेस थी ठीक है उसकी जितनी पॉपुलैरिटी थी उतनी पॉपुलैरिटी यहां मिलेगी नहीं सीट जरूर आपको दिख गई है उतनी ज्यादा लेकिन क्या होता है कि ये जो रिस्टोर्ड सो कॉल्ड रिस्टोर्ड कांग्रेस जो थी ना इसे कुछ चैलेंजेस भी फेस करना पड़े क्या चैलेंजेस थे तो डिस्पाइट बींग मोर पॉपुलर द मेनी द न्यू कांग्रेस डिड नॉट हैव द काइंड ऑफ कैपेसिटी टू अब्सॉर्व ऑल टेंशन एंड कंफ्लिक्ट

ठीक है, लेकिन ये जो कांग्रेस थी तो ये कांग्रेस में क्योंकि इतने फैक्शन ही नहीं थे सब कुछ एक लीडर के नाम पे था तो उसके चलते क्या है कि यहां पे

पोजिशन पे आ गए इतनी प्रचंड बहुमत के साथ आ गया ये ठीक है अनप्रेसिडेंटेड पॉलिटिकल अथॉरिटी को वो फील कर रही थी ना

आप एजेंडा चाहिए रहता है ना आपको जैसे इंदिरा गांधी जीती क्यों थी क्योंकि उनके पास एजेंडा था गरीबी हटाना है अब इंदिरा गांधी हारेगी क्यों क्योंकि उनके अपोजिशन को एजेंडा मिल जाएगा एक क्या कि ये जो डेमोक्रेटिक एक्सप्रेशन का गला घोटा जा रहा है उसे हटाना है

डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक डिप्रेशन कंटिन्यू टू ग्रो फिर क्या है फिर आप जिस चुनावी मुद्दे के साथ लड़े थे क्या कि गरीबी हटाओ ठीक है मतलब आपका जो मुद्दा रहता है वो मुद्दा जैसे विकास के मुद्दे के साथ आप लड़े थे तो विकास को आज तक ढूंढ रहे हम ठीक है उस समय पे भी लोगों ने गरीबी हटाओ के मुद्दे के साथ में जिताया वो गरीबी हटी नहीं ठीक तो यहां पे वही है कि अब गरीबी हटी नहीं तो जो पॉपुलर अनरेस्ट है मोबिलाइजेशन वो थोड़ी ना खत्म होगा ठीक ठीक है है अराउंड द इशू ऑफ डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक टू तो ग्रो तो गरीबी हटाओ रेटोरिक जो था वो गरीबी हटी नहीं और इन सारी चीजों का इन सारी चीजों का समावेश अगर देखोगे आउटकम देखोगे एक साथ जो निकल के आया सब कुछ समअप करने समय तो समअप करने समय क्या आउटकम निकल के आया पता है समझ पा रहे हो ना कि जो सो कॉल्ड रिस्टोर्ड कांग्रेस थी उसे कुछ चैलेंजेस फेस करना पड़ा क्यों क्योंकि जो ओरिजिनल कांग्रेस था उसका नेचर और इस कांग्रेस का नेचर में बदलाव था तो इस कांग्रेस ने जो चैलेंजेस फेस करें उन चैलेंजेस के सामने उसको क्या मतलब उन चैलेंजेस का आउटकम क्या निकल के आया द पॉलिटिकल क्राइसिस दैट थ्रेटन द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी इन द कंट्री और इसी के लिए मतलब आप देखते हैं पॉलिटिकल हिस्ट्री में इस टाइम पीरियड को सेवेंटी वन से के टाइम पीरियड को टू बी मोर के बाद के टाइम पीरियड को क्या कहा जाता है कि डेमोक्रेसी का गला घोटा गया था यहाँ पे कंट्री डिक्टेटरशिप में जाते जाते बची है इस तरह से ठीक है तो आउटकम क्या निकल के आए ये जो सारे चैलेंजेस कांग्रेस न्यू कांग्रेस ने फेस किया तो उसके चलते कहा जाता है कि पोलिटिकल क्राइसिस दैट थ्रेटेन दी वेरी एक्जिटेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के को ही थ्रेटन करता था उस तरह का सिचुएशन डेवलप हो गया था और इसी के चलते जो आगे डेवलपमेंट हुए मतलब यहां पे ऐसा है ना आपको डेमोक्रेसी कत्ल होता, होता जा रहा है तो इसी के लिए के आप जो नया नाम दिया गया अगले चैप्टर को वो क्या दिया गया डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस ठीक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे मतलब नेक्स्ट चैप्टर से पढ़ेंगे एक वीडियो और बचा है मतलब चैप्टर तो हमारा कंप्लीट हो गया बुक में फॉर्मली लेकिन जो मल्टी पार्टी और बाय पार्टी लिखा है तो उसे हम डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में एडिशनल टॉपिक को ठीक है तो यहां पे क्या है चैप्टर खत्म मतलब ऐसा बोलते हैं ना कहानी खत्म पैसा हजम तो बिना पैसे दिए आपने चैप्टर खत्म कर दिया है इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बाय पार्टी एंड मल्टी पार्टी कोलिजन सिस्टम सवाल क्यों पढ़ेंगे मतलब चैप्टर जो था हमारा प्यारा साहब चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ दी कांग्रेस सिस्टम ये चैप्टर कंप्लीट हो गया अगर बुक के अकॉर्डिंग जाए लेकिन कहानी कहां ट्विस्ट मार गई कहानी यहां ट्विस्ट मार गई हमारी कि जो बुक है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस तो इसमें आप देखेंगे तो तो जो नंबर का का रीअलाइनमेंट हुआ है चैप्टर्स पहली चीज तो वो है वो सिरदर्द कौन सा गया कौन सा नहीं गया देखे ना वो वीडियो फिर उसके बाद में अगर जैसे आप देखोगे तो ये जो चैप्टर इसका नाम बदल के क्या कर दिया है पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम लाते हैं वापस उसे पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया ठीक है in नाम बदल के क्या कर दिया गया पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया अब इस चैप्टर में अगर आप देखेंगे तो टॉपिक्स किस तरह से कांग्रेस सिस्टम तो जो चैप्टर टू बुक के अंदर है जो हमने पढ़ा था मतलब वन पार्टी डोमिनेंस वाला जो बुक में से डिलीट हो गया है तो वो कांग्रेस कांग्रेस सिस्टम सिस्टम पूरा समझ लिया हमने को जब वो वन पार्टी की तरह डोमिनेट करती थी उसके बाद में जब उसने चैलेंजेस फेस करे कैसे अपने आप को रिस्टोर किया वो सारी चीजें आपने कांग्रेस सिस्टम वाले पार्ट में पढ़ ली समझ लिए ठीक है तो अब दूसरी चीज जो वो है क्या है बाय पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी कोलिजन सिस्टम अब बाय पार्टी सिस्टम क्या होता है मल्टी पार्टी सिस्टम क्या होता है और स्पेसिफिकली इंडियन कंटेक्स में मैं आपको बताने वाला हूं देखो अब आप देखेंगे काफी सारे टीचर्स जो शायद आपके स्कूल में भी आपको ना ठीक है फिर सर आप क्यों जबरन पढ़ा रहे हो तो पढ़ा रहे हो पढ़ा रहे हो मतलब जा जा बंद नहीं कर रहे हो देखो भाई कारण है उसके पीछे क्योंकि सिलेबस में दिया है ना तो उसका एक बेसिक आइडिया होना तो जरूरी है मैं आपको बहुत ज्यादा थ्योरी बहुत ज्यादा नोट्स नहीं दे रहा हूं मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ कि बाय पार्टी सिस्टम क्या होता है और मल्टी पार्टी कोलिजन सिस्टम क्या होता है ठीक है ठीक तो ये सारी चीजें हम क्या करने वाले हैं आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं एडिशनल टॉपिक के फॉर्म में ठीक है बाई पार्टी सिस्टम क्या होता है इट इज नोन टू पार्टी सिस्टम जहां पे आप क्या देखते हैं कि जो पॉलिटिकल एरेना होता है ना कंट्री का पूरा मैदान जो होता है वहां पे मेजर दो पार्टीज कंटेस्ट कर रही होती है और ये जब मेजर दो पार्टीज होती है कौन कौन सी होती है तो उन मेजर दो पार्टीज में जैसे अगर आप देखेंगे तो हर कंट्री में अलग अलग होगा लेकिन ऐसा रहता है आप, एक सवाल ये भी आता है सर तीसरी पार्टी नहीं रहती क्या तीसरी पार्टी रहती है लेकिन उसकी सिग्निफिकेंस कुछ नहीं है मतलब एक ऐसा सिस्टम होता है पॉलिटिकल सिस्टम जहां पे दो पार्टी डोमिनेट कर रही है या तो ये पार्टी पावर में आएगी या तो वो पार्टी पावर में आएगी अब आप यहां देख रहे होंगे हाथी है गधा है ये क्या कर रहे हैं ठीक है तो सीधी सी चीज में बताता हूं जैसे यूएसए का एग्जाम्पल लेते हैं तो यूएसए को एक बाय पार्टी सिस्टम जो है बाय पार्टी सिस्टम वाला कंट्री कहा जाता है बाय पार्टी सिस्टम यूएसए में डोमिनेट करता है तो वहां आप जैसे देखेंगे तो डेमोक्रेट्स डेमोक्रेटिक पार्टी होती है एक रिपब्लिकन रिपब्लिक पार्टी होती है डेमोक्रेट पार्टी होती है ठीक है तो रिपब्लिकन पार्टी डेमोक्रेट्स की पार्टी इस तरह से आपने सुना होगा ना ओबामा ट्रंप ठीक है तो अलग अलग पार्टी को लीडर्स रिप्रेजेंट करते हैं या तो डेमोक्रेटिक पार्टी का लीडर प्रेसिडेंट बनेगा या आ, कह सकते हैं ठीक है, वो, का जो है वो तो इस तरह से जब दो ही पार्टी डोमिनेट कर रही है अब आप कहेंगे सर, इंडिया भी, क्या है? इंडिया भी पार्टी सिस्टम या तो कांग्रेस या तो बीजेपी ऐसा नहीं है ये आज की सोच है आज की सोच इन सेंस अब आज की सोच में तो आप सर, अब तो भी लिस्ट से बाहर हो गई है ठीक है तो फिर क्या हो रहा है देखो ऐसे आप जब पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो तो सिर्फ फैक्ट्स नहीं पढ़ना ऐसे एनालाइज करना है तो क्या हम कह सकते हैं कि वो वन पार्टी डोमिनेंस फिर घूम के आ रहा है जैसा कांग्रेस का इंडिपेंडेंस के टाइम पीरियड में डोमिनेंस था ठीक है तो एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट की तरह एनालाइज कर सकते हो कि हिस्ट्री इज रिपीटिंग इट अब क्या है डोमिनेंस आपको वन पार्टी की फिर से देखने को मिल रही है ठीक है वन पार्टी की डोमिनेंस देखने को मिल रही है और कुछ कुछ भी चीज तो हो हो। क्या होगा तो फिर आप देखेंगे उसमें आप पढ़ोगे कि कैसे आप कांग्रेस जो था कांग्रेस ने अपने को रिस्टोर कर लिया लेकिन उसके बाद में फिर दूसरी पार्टीज अपने आप क्या करती है रिसर्च uh, करती है फिर से रि इमर्ज होती है वो सारी चीजें आगे वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे हम तो कनेक्ट कर पाओगे बेहतर तरीके से ठीक तो टू पार्टी सिस्टम दो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज होती भी कहा जाता है system, Example, हो गया, की अगर बात करेंगे तो यूनाइटेड किंगडम जो है वहां का पॉलिटिकल सिस्टम जो इट इज ऑल्सो डोमिनेटेड बाई लेबर पार्टी एंड कंजर्वेटिव पार्टी, पार्टी तो लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी जो है तो यूनाइटेड यूनाइटेड किंगडम में डोमिनेट कर रही है अब अगर बात करें मल्टी पार्टी सिस्टम की ठीक है मल्टी पार्टी सिस्टम तो दल्टी पार्टी सिस्टम हैव मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज अक्रॉस पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम एट नेशनल एंड रीजनल लेवल एंड ऑल हैव कैपेसिटी टू गेन कंट्रोल और फॉर्म गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल एंड इंडिया इज द क्लासिकल एग्जाम्पल देखो मल्टीपल मल्टी पार्टी सिस्टम जो है ना हर चीज का एडवांटेज आप पूछोगे कि सर क्या सही है क्या गलत है

ठीक है हांस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं ग्रुप के लोग हैं तो जब सोसाइटी ही क्या है होमोजेनस है पूरी की पूरी सोसाइटी में हेट्रोजेनिटी नहीं है तो वहां पे वन पार्टी सिस्टम भी खूब चलेगा लेकिन इंडिया जैसी कंट्री जो है जहां पे क्या है जहां जहां पे है. तो पे क्या हेट्रोजेनस सोसाइटी है ठीक है तो वहां पर पार्टी सिस्टम होना चाहिए ताकि हर इंसान अपने इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करवा पाए तो मल्टी पार्टी सिस्टम का अगर बेसिक क्रश देखा जाए तो यहां पे क्या है मल्टी पार्टी सिस्टम है मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज अक्रॉस पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम नेशनल एंड रीजनल लेवल एंड ऑल हैव द कैपेसिटी टू गेन एंड कंट्रोल और फॉर्म गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल तो इंडिया में जो अभी मैंने बताया कि टू पार्टी सिस्टम नहीं है इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है आपको देखने को मिलेगा साउथ इंडिया में अलग पोलिटिकल पार्टी है नॉर्थ ईस्ट में अलग कर रही है नॉर्थ में अलग कर रही है नेशनल लेवल पर आपको दो या तीन पार्टी देखने को मिलती है बाकी अगर बात की जाए रीजनल लेवल पर तो आपको मल्टीपल डिफरेंट पार्टीज डिफरेंट रीजन में अपनी पावर को होल्ड करते हुए देखने को मिलेगी ठीक है तो ये कहानी है कि मल्टी पार्टी सिस्टम क्या है समझ में आया तो इंडिया इज

पार्टी सिस्टम मतलब वन पार्टी सिस्टम नहीं था हमारे देश में लेकिन वन पार्टी डोमिनेंस देखने को मिला और मैंने यह भी समझाया कि चाइना के वन पार्टी सिस्टम में वन पार्टी डोमिनेंस में और हमारे वन पार्टी डोमिनेंस में यही जमीन आसमान का फर्क है क्या कि चाइना का जो वन पार्टी सिस्टम था वो वन पार्टी डोमिनेंस जो था

आया समझ में फिर अगर आप इंडियन पॉलिटिक्स में आगे बढ़ते हो फिर इंडियन पॉलिटिक्स में जैसे आगे खिसकोगे थोड़ा तो 67 जो है 67 से

77 वाटरशेड इवेंट हो जाता है मतलब आप देख रहे हैं कि ज, जो कंट्री वन पार्टी डोमिनेट डोमिनेशन अभी तक चलता आ रहा है जिस जिस कंट्री में आप देख रहे हैं कि एक पार्टी डोमिनेट कर रही है वहां में क्या देखने को मिलता है 77 के टाइम पीरियड्स अगर आप देखेंगे ना 77 से 80 तक लेते हैं हम बस क्यों क्योंकि 80 में क्या होता है फिर कांग्रेस आ जाएगी ठीक है तो ये जो तीन साल रहे तो यहां पे हमें क्या है यहां पे हमें वो मल्टी पार्टी कोलिशन सिस्टम देखने को मिलेगा कैसे तो ये आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ोगे आप आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ोगे कि जनता पार्टी की गवर्नमेंट पहली नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट सेवेंटी में बनती है मैं आपका आगे वाले चैप्टर का बैकग्राउंड अभी बना दे रहा हूं बुक का पीछे वाला जो कवर देखोगे ना तो उस पर आपको दिखेगा देखो जनसंघ कांग्रेस ओ सोशलिस्ट पार्टी भारतीय क्रांति दल स्वतंत्र पार्टी सारे अपोजिशन में थे सब एक साथ आए संगठन में शक्ति है और उन्होंने जनता गवर्नमेंट बनाई तो ये क्या है ये ग्रैंड कोलिजन देखने को मिल रहा है जनता पार्टी का ठीक है तो कांग्रेस

मल्टी पार्टी देखने को मिल रहा है ठीक है मल्टी पार्टी सिस्टम देखने को मिल रहा है फाइन मल्टी पार्टी सिस्टम देखने को मिल रहा है फिर अगर हम बात करें तो मल्टी पार्टी सिस्टम हो गया अब बायपार्टी कोलिजन सिस्टम भी होते हैं बायपार्टी कोलिजन सिस्टम कैसे तो अगर हम अब बात करते हैं जैसे नाइनटीन

फिर से आती है ठीक है कांग्रेस फिर से आती है तो हम इसको वन पार्टी सिस्टम की तरह कंसिडर कर सकते हैं फिर क्या आता है इंडिया में फिर जो है के टाइम पीरियड से तो आप देख लो तो यहाँ पे क्या है यहाँ पे यहाँ पे कितने ही गवर्नमेंट जो आए हैं कितने ही गवर्नमेंट में जैसे आप देख लेंगे वीपी सिंह की गवर्नमेंट अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट इंद कुमार गुजराल की गवर्नमेंट कुलीजन गवर्नमेंट बनती रही है ठीक है तो नाइनटीन इससे आप टू थाउजेंड फोर ही लेकर 2004 तक यहाँ पे क्या है फिर मल्टी पार्टी सिस्टम मल्टी पार्टी कोलिजन सिस्टम जो है मल्टी पार्टी कोलिजन सिस्टम ठीक है मल्टी पार्टी कोलिजन सिस्टम देखने को मिलता है 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 फाइन अब 2004 2004 के बाद में में पॉलिटिकल नेचर जो वो चेंज होता कैसे कि 2004 में भी आप देखते हो कोलिजन गवर्नमेंट बनेगी लेकिन आप कोलिजन का नेचर जो तो बाय पार्टी ज्यादा हो रहा है मतलब कांग्रेस ने भी अपना एक वो बना के रखा है ग्रुप ठीक है और बीजेपी ने भी तो मेन टशल जो देखने को मिल रही है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में देखने को मिलती है विद देयर पार्टनर्स तो जैसे यूपीए से अगर हम बात करें 2004 से अगर हम बात करें कब तक 2004 से अगर हम बात करें 2014 तक ले आओ, 2014 तक तो 2014 तक रहा कौन है कांग्रेस ही रही है लेकिन कांग्रेस विद इट्स कोलिजन पार्टनर्स उसके अपोजिशन में बीजेपी कोलिजन पार्टनर्स मतलब यूपीए वर्सेस एनडीए हो रहा था ठीक है तो ये क्या है एक तरह का बाय पार्टी कोलिजन सिस्टम देखने को मिल रहा है समझ में तो ये बाय पार्टी कोलिजन सिस्टम बाय पार्टी कोलिजन सिस्टम आपको देखने को मिलेगा बाय पार्टी कोलिजन सिस्टम देखने को मिलेगा ठीक है मिलेगा फिर अब अगर बात की जाए एक

पीरियड ठीक है अब 2024 में समझ में आ गया कि वो वन पार्टी डोमिनेंस बनी हुई है गिरती है क्या होता है ठीक है तो ये आपको इंडिया का एक पॉलिटिकल कह सकते हैं हिस्ट्री पूरा समझ में आ गया नेचर समझ में आ गया मजा आया इस चीज में ठीक है बताना कमेंट सेक्शन में तो इसी के साथ हमने एक जो एक एडिशनल टॉपिक था वो कवर कर लिया है आई होप यू एंजॉयड इट आपको चीजें समझ में आई कनेक्ट कर पाए हो चैप्टर हम पिछले टॉपिक में ही आ, मतलब पिछले वीडियो में क्लियर कर चुके थे कंप्लीट कर चुके थे एडिशनल टॉपिक भी हमने यहाँ पे कवर कर लिया है मैग्नेट बेन्स पर इसी तरह से सभी सब्जेक्ट चैप्टर्स टॉपिक सब टॉपिक सब कुछ सिस्टमेटिक वे में वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अवेलेबल है इन वीडियो लेक्चर्स को आप यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं साथ ही साथ आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं ठीक है वेबसाइट पर आपको सब कुछ अरेंज मिल जाएगा करना क्या होगा मैग्नेटवेंस सर्च करना है आपके सामने एक वेबसाइट आएगी आप जिस भी क्लास में है ठीक है तो उस वेबसाइट को क्लिक करते से क्या होगा आपके सामने क्लासेस आएंगे आप जिस भी क्लास में अपनी क्लास को सिलेक्ट कीजिए सारे उस क्लास के सब्जेक्ट्स आपके सामने होंगे जो सब्जेक्ट पढ़ना उसे सिलेक्ट कीजिए ठीक है टॉपिक सब टॉपिक सब कुछ होगा घर बैठे आराम से सिलेबस कंप्लीट कीजिए अपने जूनियर्स और सीनियर्स को जरूर बताइए क्योंकि किंडार गार्डन से क्लास ट्वेल्थ तक इसी तरह से सभी सब्जेक्ट्स वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अवेलेबल है तो हमारा चैप्टर यहां पे कंप्लीट पूर्ण होती स्टे कनेक्टेड कीप लर्निंग थैंक यू थैंक यू वेरी मच